हेलो फ्रेंड्स, यह जस्ट क्रिकेट की लास्ट मिनट रिवीजन सीरीज की वीडियो नंबर 5। और इस सीरीज के अंदर हम कर रहे हैं SOLDC एग्जाम के अंदर आने वाले कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक्स के ऊपर डिस्कशंस। और आज का इम्पोर्टेंट टॉपिक है मैनुअल ऑफ ऑफिस प्रोसीजर। तो इस वीडियो के अंदर हम क्या करने वाले हैं, मैनुअल ऑफ ऑफिस प्रोसीजर जो पूरी बुक है, जो पूरा मैनुअल है, उसके अंदर आई हुई जितनी भी टाइमलाइंस हैं उन टाइमलाइंस को हम पढ़ेंगे और उस टाइमलाइन को साथ के साथ हम लोग लर्न कर लेंगे। ठीक है, तो लेट अस स्टार्ट विद द फर्स्ट टाइमलाइन ऑफ मैनुअल ऑफ ऑफिस प्रोसीजर MOP। लेट स्टार्ट। तो देखो, ये है पहली टाइमलाइन। और मैंने एक्चुअली में किया क्या है वीडियो के अंदर कि जो MOP है हमारी, मैनुअल ऑफ ऑफिस प्रोसीजर है, उसके अंदर जहां पर भी टाइमलाइंस लिखे हैं मैंने वहां से उसको कट करके यहाँ पर पेस्ट किया है और कॉर्नर पे मैंने इसको छोड़ दिया है। इससे आपको पता चल जाएगा कि ये चैप्टर नंबर 5 के अंदर दे रखी है ये वाली टाइमलाइन। जिस टाइमलाइन की हम बात कर रहे हैं यहाँ पर, वो टाइमलाइन चैप्टर 5 की है। ठीक है, तो आई विल सजेस्ट कि आप चाहो तो अपनी MOP का जो प्रिंट आउट है वो लेके बैठ सकते हो और उसके अंदर चैप्टर नंबर 5 के अंदर आप मार्क भी कर सकते हो कि यहाँ पर एक टाइमलाइन लिखी है। ये चैप्टर और ये टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, और थोड़ा सा कंफ्यूजिंग भी है क्योंकि MOP के अंदर बहुत सारे टाइमलाइंस दे रखे हैं, तो यू कैन गेट कन्फ्यूज बिटवीन दोज टाइमलाइंस। तो इसलिए मैंने सारे के सारे टाइमलाइंस जो है वो इस वीडियो के अंदर एक ही जगह पे कंपाइल कर दिए हैं, तो जिससे कि आपको बहुत इजी हो जाएगा उनको लर्न करना। पहली देखो टाइमलाइन क्या है, पहली टाइमलाइन है एलोकेशन ऑफ डिस्प्यूटेड रिसीट्स को लेके, कि अगर कोई डिस्प्यूटेड रिसीट किसी सेक्शन के अंदर रिसीव होती है और उस सेक्शन को लगता है कि वो हमारे से कंसर्न नहीं है, तो वो एक अंडर सेक्रेटरी जिसको कि इस काम के लिए डेजिग्नेट किया जाएगा उनके नोटिस में लेकर आया जाएगा। और अंडर सेक्रेटरी का काम होगा कि उस डिस्प्यूटेड रिसीट को 2 दिन के अंदर अंदर, ठीक है, 2 दिन के अंदर अंदर उसको सेटल किया जाए कि वो रिसीट जो है वो किसकी मानी जाएगी। तो ही विल हैव टू सेटल द डिस्प्यूट विद इन 2 वर्किंग डेज। और अगर उस रिसीट के ऊपर कोई अर्जेंसी ग्रेडिंग लगी हुई है, कोई भी अर्जेंसी ग्रेडिंग लगी है, तो उनको कितना टाइम मिलेगा, अंडर सेक्रेटरी को टाइम मिलेगा आधे दिन का। तो यहाँ पे आपकी दो टाइमलाइंस हो गई, एक तो 2 दिन अगर विदाउट अर्जेंसी ग्रेडिंग कोई डिस्प्यूटेड रिसीट है, या फिर हाफ डे अगर विद अर्जेंसी ग्रेडिंग कोई डिस्प्यूटेड रिसीट है। ओके, नेक्स्ट नेक्स्ट देखो, प्रॉम्प्ट रिस्पॉन्स टू द लेटर रिसीव्ड। कौन से लेटर्स की बात ये कर रहे हैं, जो भी MP से हमारे पास लेटर आते हैं, ईच कम्युनिकेशन रिसीव फ्रॉम मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, ठीक है, या फिर मेंबर ऑफ पब्लिक, या फिर अ रिकॉग्नाइज एसोसिएशन ऑफ अ पब्लिक और बॉडी। तो कहीं से भी आपके पास कम्युनिकेशन आ रहा है, MP का आ रहा है, या फिर मेंबर ऑफ पब्लिक में से आ रहा है, या फिर किसी पब्लिक बॉडी से आ रहा है, या फिर किसी रिकॉग्नाइज एसोसिएशन से आ रहा है, तो उस कम्युनिकेशन को विद इन 15 डेज एक्नॉलेज करना है कि हाँ हमें लेटर रिसीव हो गया, और अगले 15 दिन के अंदर उसका जवाब जाना चाहिए। ये लेटर आया है आपके पास MP से, ठीक है, तो 15 दिन के अंदर एक्नॉलेजमेंट और नेक्स्ट 15 डेज के अंदर उसका रिप्लाई सेंड करना है। तो दीज आर टाइमलाइंस। नेक्स्ट, अगर हमें ऐसा लगता है कि भाई ये 15 दिन के अंदर हम लोग जो है वो रिप्लाई नहीं दे पाएंगे, ठीक है, तो एक इंटरिम रिप्लाई 15 दिन में देना है। तो यानी कि सिर्फ एक्नॉलेजमेंट नहीं देना है, इंटरिम रिप्लाई दे देना है। सपोज ये लेटर आया और आपको लगता है कि इस लेटर के आने पर इसका जवाब बनाने में 15 से ज्यादा दिन लग जाएंगे, ठीक है, तो जवाब बनाने में अगर तुमको लगता है कि भाई मेरे को महीना भर लग जाएगा या कुछ भी है, तो 15 डेज के अंदर एक्नॉलेजमेंट ना देके आप 15 डेज के अंदर आप उसका इंटरिम रिप्लाई दोगे। ठीक है, इंटरिम रिप्लाई विल बी सेंट फ्रॉम द डेट ऑफ रिसीट इंडिकेटिंग द पॉसिबल डेट बाई विच फाइनल रिप्लाई कैन बी गिवन। तो जो आप इंटरिम रिप्लाई दोगे उसके अंदर बताओगे कि आप फाइनल रिप्लाई उसको कब तक दे दोगे। ठीक है, उसके बाद अगर ऐसा कम्युनिकेशन आया है जो कि आपके पास गलती से आ गया है, इट इज रॉन्गली एड्रेस टू द डिपार्टमेंट, तो उसको ट्रांसफर करना है प्रॉम्प्टली विद इन 5 वर्किंग डेज ऑफ द रिसीट। तो हमारे पास 3 हो गए। देखो ये हमारी MP का लेटर है, या तो 15 डेज में एक्नॉलेजमेंट दो, या फिर 15 डेज में इंटरिम रिप्लाई दो अगर आपको लगता है कि अगले 15 दिन के अंदर आप जवाब नहीं दे पाओगे, और इंटरिम रिप्लाई में बताइए कि भाई मेरे को 1 महीना लग जाएगा इसका जवाब देने में। ठीक है, फाइनल उसके अंदर पता होना चाहिए कि एक पॉसिबल डेट यहाँ पर देनी है इंटरिम रिप्लाई के अंदर। और अगर आपके पास MP का लेटर गलत आया है कि आपसे वो कंसर्न ही नहीं है, तो उसको 5 डेज के अंदर आप ट्रांसफर करोगे सही डिपार्टमेंट के पास। तो ये 3 टाइमलाइंस यहाँ पर है। ठीक है, वेयर द रिक्वेस्ट ऑफ द मेंबर ऑफ पब्लिक कैन नॉट बी एक्सीडेड टू। तो अगर मेंबर ऑफ पब्लिक ने कोई आपसे रिक्वेस्ट की है
और आप उस रिक्वेस्ट को नहीं मान पा सकते, कहीं नहीं मान पा रहे हैं, ठीक है, आपके एडमिनिस्ट्रेटिव जो है अथॉरिटीज वो उसको नहीं मान रहे कि अब वो रिक्वेस्ट जो है एक्सेप्ट नहीं हो सकती, तो आप उसका रीजन बताएंगे उसके अंदर। एज फार एज पॉसिबल रिक्वेस्ट फ्रॉम मेंबर ऑफ पब्लिक शुड बी लुक्ड एट फ्रॉम द यूजर पॉइंट ऑफ व्यू, नॉट सोली फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू बट मे बी एडमिनिस्ट्रेटिवली कन्वीनियंट। ठीक है, यहाँ पर वो कह रहे हैं कि मेंबर ऑफ पब्लिक से अगर कोई भी रिक्वेस्ट आ रही है तो आप उनकी तरफ से सोच के देखो कि भाई उनका क्या इशू है, और ये मत देखो कि एडमिनिस्ट्रेटिवली क्या कन्वीनियंट पड़ेगा आपको करना। ठीक है, तो यू हैव टू मेक एनी एफर्ट कि भाई किसी तरीके से रिक्वेस्ट माननी है। फाइन, ये लिखा हुआ है। खैर फिलहाल यहाँ पर हमारे पास तीन टाइमलाइंस है जो मैंने यहाँ पर समराइज कर दी है। नेक्स्ट नेक्स्ट है देखो टाइम लिमिट्स फॉर डिस्पोजल ऑफ केसेस, कि कोई सा भी केस को कितने टाइम के अंदर खत्म करना ही करना है। तो हर डिपार्टमेंट डिपार्टमेंटल इंस्ट्रक्शंस के अंदर हर तरीके के केस की टाइम लिमिट जो है वो फिक्स करेगा, और इन जनरल अगर सपोज इस तरीके के डिपार्टमेंटल इंस्ट्रक्शंस नहीं है तो एज अ जनरल रूल कोई भी पर्सन कोई भी ऑफिशियल अपने पास कोई सा भी केस 7 डेज तक 7 डेज से ज्यादा नहीं रखेगा। दिस इज नेक्स्ट टाइम लिमिट 7 डेज, कि कोई सा भी केस 7 दिन के अंदर अंदर डिस्पोज करना है। लेकिन अगर डिपार्टमेंटल इंस्ट्रक्शन के अंदर स्पेसिफिकली किसी स्पेसिफिक टाइप ऑफ केसेस के लिए ज्यादा हाई लिमिट प्रेस्क्राइब्ड है, ठीक है, तो उस केस के अंदर वो ज्यादा टाइम ले सकते हैं। इन द सिचुएशन ऑफ अ केस रिमेनिंग विद एन ऑफिशियल फॉर मोर देन स्टिपुलेटेड टाइम लिमिट एंड एक्सप्लेनेशन फॉर कीपिंग इट पेंडिंग शैल बी रिकॉर्डेड ऑन द नोट पोर्शन बाय हिम। अगर सपोज कोई नोट लिख रहे हैं और आपके पास कोई केस पड़ा हुआ है, तो उस केस के अंदर अगर आप 7 दिन से ज्यादा हो चुके हैं ऑलरेडी और वो डिस्पोज नहीं हुआ है, तो जो डीलिंग हैंड है, ठीक है, तो जो ऑफिशियल है जिसके पास भी वो पेंडिंग पड़ा हुआ है, वो उस नोटिंग के ऊपर उसका रीजन भी लिखेगा कि भाई ये क्यों लेट हो गया। ठीक है, नेक्स्ट तो नेक्स्ट है देखो चैप्टर 14 के अंदर मेन गाइडलाइंस ऑन ग्रीवांस रिड्रेसल। अगर कोई मेंबर ऑफ पब्लिक आपसे कोई ग्रीवांस करता है तो आप 45 दिन के अंदर अंदर आप उसको ग्रीवांस को रिजोल्व करोगे, 45 डेज के अंदर। इन केस अगर आप डिले करते हो कि 45 डेज के अंदर आपसे रिजोल्व नहीं हो रही, डिस्पोज नहीं हो रही है, तो एक इंटरिम रिप्लाई उसको दोगे कि डिले क्यों हो रहा है, कि कोई डेटा निकालने में देर हो रही है, कोई फाइल नहीं मिल रही है, या एनीथिंग लाइक दैट। ठीक है, तो 1.5 महीना आई गेस इनफ होता है किसी ग्रीवांस को रिड्रेस करने के लिए। 1.5 मंथ्स बहुत ही रिलैक्स टाइमलाइन है ये, 1.5 महीने के अंदर अंदर कोई भी ग्रीवांस सेटल करनी है आपको। ठीक है, मेंबर ऑफ पब्लिक से क्योंकि ग्रीवांस आई है आपके पास आएगी, आप उसको देखोगे कि किस डिपार्टमेंट से रिलेटेड है, किस से रिलेटेड है, क्या सब्जेक्ट है उसका, उस सेक्शन के पास जाएगी, फिर उस सेक्शन उसको देखेगा कि भाई किस से रिलेटेड बात कर रहा है, ये कितने साल पुरानी बात कर रहा है, तो इसलिए 1.5 महीना लग जाएगा उस काम के अंदर। ठीक, तो 1.5 महीने के अंदर ग्रीवांस जो है वो रिजोल्व हो जानी चाहिए। अब हम इसके बाकी के पॉइंट्स भी पढ़ लेते हैं, चाहे इसमें टाइमलाइन है चाहे नहीं है, क्योंकि आप जब मेमो भी पढ़ोगे तो ये पैराग्राफ आपके सामने आएगा, तो आप ऑलरेडी इसको पढ़ चुके होंगे। फाइन, तो जिस तरीके का भी आप रिप्लाई दोगे ग्रीवांस को क्लोज करते हुए, तो उसके अंदर वेल रीजन्ड स्पीकिंग रिप्लाई, देखो हम ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ रहे हैं और एमओपी का जो प्रॉपर टेक्स्ट है उसको पढ़ रहे हैं हम, तो इसका एक एक वर्ड जो है वो इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि एक एक वर्ड से उठ के क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है, तो इसके एक एक वर्ड पे ध्यान रखना है कि वाइल क्लोजिंग अ ग्रीवांस रेलेवेंट डॉक्यूमेंट्स भी अपलोड करने हैं और एक वेल रीजन्ड स्पीकिंग रिप्लाई देना है, कि उसके अंदर सब कुछ उसे समझ में आ जाए और ऐसा ना हो कि जो ग्रीवांस करने वाला उसको कोई डाउट रह जाए। ठीक है, नेक्स्ट देखो कि हर मिनिस्ट्री हर डिपार्टमेंट स्टेट या यूटी के पास एक सीनियर ऑफिसर होगा, कौन से लेवल का, लेवल ऑफ डीएस, कम से कम डीएस के लेवल का। ठीक है, जिसको कि डायरेक्टर ऑफ पब्लिक ग्रीवांस बनाएंगे। अब खुद ही सोचो भाई डायरेक्टर ऑफ पब्लिक ग्रीवांस बनाना है डायरेक्टर, तो डायरेक्टर से मिलती जुलती कौन सी रैंक है, डिप्टी सेक्रेटरी। ठीक है, डिप्टी सेक्रेटरी इसी से मिलती जुलती रैंक है, तो कम से कम डिप्टी सेक्रेटरी होना चाहिए पब्लिक ग्रीवांस का डायरेक्टर, डायरेक्टर भी हो सकता है। जिसको कि हु कैन बी अप्रोच इन केस द ग्रीवेंस इज नॉट रिड्रेस्ड। ठीक है, अगर सपोज मैंने ग्रीवांस किया और मेरे को नहीं समझ में आया आपका रिप्लाई, आपका जो वेल रीजन स्पीकिंग रिप्लाई मुझे नहीं समझ में आया, तो आई विल अप्रोच डायरेक्टर ऑफ पब्लिक ग्रीवांस कि भाई देखो हमें आपका जवाब समझ में नहीं आया है। ठीक है, और द सिटीजन इज नॉट सेटिस्फाइड। नेक्स्ट देखो, द डायरेक्टर ऑफ पब्लिक ग्रीवांस, ये जो भी डायरेक्टर होगा पब्लिक ग्रीवांस का, उनका नेम, उनका डेजिग्नेशन, उनका रूम नंबर और उनका टेलीफोन नंबर, ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि भाई उनके कौन कौन से पर्टिकुलर्स जो है वो प्रेजेंट, वो पता होने चाहिए, वो डिस्प्ले होने चाहिए रिसेप्शन ऑफिस पर। तो नेम डेजिग्नेशन उनका रूम नंबर और टेलीफोन नंबर, ताकि कोई भी बंदा उनसे कभी भी कॉन्टेक्ट कर पाए। ठीक, तो डायरेक्टर ऑफ पब्लिक ग्रीवेंस का ये सारी चीजें, ये सारे जो पर्टिकुलर्स हैं वो सब दे शुड बी डिस्प्लेड प्रोमिनेंटली एट रिसेप्शन ऑफिस, या फिर ऐसे किसी कन्वीनियंट प्लेस पे ऑफिस बिल्डिंग के अंदर जहां पर कि सिटीजन इजिली उसको देख पाए। ठीक है, और दूसरा पीजी पोर्टल जो है हमारा, ठीक है, पीजी पोर्टल पे उन जो डायरेक्टर पब्लिक ग्रीवांस जो भी बनाया गया उनकी इंफॉर्मेशन वहां पर भी अवेलेबल होनी चाहिए। नेक्स्ट देखो,
तो जो ये डायरेक्टर है पब्लिक ग्रीवांस का, उनका क्या रोल होगा? ठीक है, व्हाट विल ही डू? तो एवरी वेंसडे ऑफ द वीक बिटवीन 10 AM टू 1 PM, यानी हाफ डे, वेंसडे वी कमिट डे, ठीक है, वी कमिट डे विच इज वेंसडे, और इस वेंसडे पर भी हाफ डे, 10 से 1 बजे तक। तो 10 से 1 बजे तक ये जो ग्रीवांस के लिए, पब्लिक ग्रीवांस के लिए जो डायरेक्टर बनाए गए हैं, वो रिसीव करेंगे और हियर करेंगे ग्रीवांसेस को। ठीक है, एक लॉक्ड कंप्लेंट बॉक्स भी रखा जाए रिसेप्शन ऑफिस पर, जिससे कि कन्वीनियंटली रजिस्ट्रेशन ऑफ कंप्लेंट्स हो पाए। ठीक है, और रेगुलर इंटरवल्स पे इस डिब्बे को खोलना भी, ऐसा नहीं कि बंद रखना है। फाइन, तो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इसके अंदर से काफी सारे क्वेश्चन बनते हैं कि डायरेक्टर ऑफ पब्लिक ग्रीवांस कौन से लेवल का होगा, ठीक है, कितने टाइम में डिस्पोज करनी चाहिए ग्रीवांस, किस तरीके का रिप्लाई देना है, उसके साथ क्या क्या चीजें और होनी चाहिए, रेलेवेंट डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए, और डायरेक्टर ऑफ पब्लिक ग्रीवांस जो है उसके कौन से पार्टिकुलर्स अवेलेबल होने चाहिए, और कौन सा दिन, वीक का कौन सा दिन उसके लिए एयर मार्क्ड है ग्रीवांसेस को सुनने के लिए, और कौन सा टाइम भी। ठीक है, आई थिंक ये सारी चीजें याद हो गई होंगी। नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। तो नेक्स्ट है अपील मैकेनिज्म। आपने कोई ग्रीवांस डिस्पोज कर दी 45 डेज के अंदर, या फिर आप डिस्पोज ही नहीं कर पाए उसको 45 डेज के अंदर, तो भाई जो कंसर्न पर्सन होगा वो तो अपील करेगा ना। अपील मैकेनिज्म इन सीपी ग्राम्स, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ सीपी ग्राम्स? सीपी जी आर ए एम एस, सीपी ग्राम्स। सी इज फॉर सेंट्रलाइज्ड, पीजी इज पब्लिक ग्रीवांस, आर इज फॉर रिड्रेसल, एंड मॉनिटरिंग सिस्टम। ठीक है, आई नो ये आपको पता ही होगी पहले से इसकी जो फुल फॉर्म है, बट स्टिल कई बार इस तरीके से फुल फॉर्म के जो ऑप्शन है वो आ जाते हैं कि आप उसके अंदर कंफ्यूज हो जाओगे कि खाली रिड्रेस लिख दिया, रिड्रेसल नहीं लिखा, ऐसे छोटी छोटी भी उसके अंदर वेरिएशन हो सकते हैं, इसीलिए मैंने लिखे हैं यहाँ पे। खैर, अब आफ्टर क्लोजर ऑफ ग्रीवांस, ठीक है, तो जो कंप्लेनेंट है वो फीडबैक दे सकता है अगर वो सेटिस्फाइड नहीं है रिजोल्यूशन से। इफ द रेटिंग इज पुअर तो अपील वो दे कर सकता है उसके ऊपर, और अपील को डिस्पोज करने के लिए आपके पास है कितने दिन का टाइम? आपके पास है 30 डेज का टाइम। ठीक है, तो हर मिनिस्ट्री डिपार्टमेंट जो है, जैसे उन्होंने डायरेक्टर ऑफ पब्लिक ग्रीवांस बनाया था, तो उसके पास, हर मिनिस्ट्री डिपार्टमेंट के पास एक नोडल अपीलेट अथॉरिटी भी होनी चाहिए। ठीक है, और भाई नोडल अपीलेट अथॉरिटी है तो उनके भी पार्टिकुलर्स जो है पीजी पोर्टल पे होने चाहिए कि भाई अपील किसको करनी है जाके। अब क्योंकि जो डायरेक्टर ऑफ पब्लिक ग्रीवांस था, ही वॉज अ डीएस, डायरेक्टर ऑफ पब्लिक ग्रीवांस वॉज ऑफ द लेवल ऑफ मिनिमम डीएस के लेवल का होना चाहिए, तो अपीलेट अथॉरिटी ऑफकोर्स उससे ऊपर ही होनी चाहिए, तो ही शुड बी 1 लेवल अबव द डेजिग्नेटेड नोडल पब्लिक ग्रीवांस ऑफिसर। तो जो पब्लिक ग्रीवांस ऑफिसर था उसके 1 लेवल ऊपर जाके जो हमारा नोडल अपीलेट अथॉरिटी होगी, NAA। ठीक है, और नोडल अपीलेट अथॉरिटी जो है वो डेलीगेट कर सकते हैं, ही कैन क्रिएट सब अपीलेट अथॉरिटी फॉर डिस्पोजल ऑफ अपील। तो NAA कैन क्रिएट SAA, यानी सब अपीलेट अथॉरिटी फॉर डिस्पोजल ऑफ द अपील। ठीक है, तो यहाँ पर कौन सी टाइमलाइन थी? यहाँ पर टाइमलाइन है अपील की, जिसको कि 30 दिन के अंदर अंदर हमें डिस्पोज करना है। फाइन, नेक्स्ट। अब देखो इस स्लाइड में मैंने क्या पेस्ट किया है, इस स्लाइड पर है डिटेल्ड रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ सेक्शन ऑफिसर, और वो मैंने इसलिए पेस्ट किया है यहाँ पे इसको क्योंकि इसके अंदर कुछ टाइमलाइन गिवन है, पहली बात। और दूसरी बात, जब आप एमओपी को पढ़ोगे तो ये वाला पोर्शन आपका कवर हो चुका होगा। ठीक है, तो लेट अस स्टार्ट कि जनरल ड्यूटीज क्या होती है सेक्शन ऑफिसर की। भाई सेक्शन ऑफिसर है तो उनकी जनरल ड्यूटी क्या होगी? सेक्शन को संभाल के रखना। तो ये सारी की सारी ड्यूटीज सेक्शन से रिलेटेड है कि भाई ई फाइल सिस्टम इंप्लीमेंट करो, अपने स्टाफ में इवनली वर्क डिस्ट्रीब्यूट करना चाहिए, अपने स्टाफ को एडवाइस करना है, हेल्प करना है, ट्रेन करना है, और मैनेजमेंट करना है, कोऑर्डिनेशन करना है वर्क का, और सेक्शन के अंदर ऑर्डर और डिसिप्लिन रहना चाहिए, और सबसे इंपॉर्टेंट बात ये कि स्टाफ का रेजिडेंशियल एड्रेस जरूर होना चाहिए। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट ही एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कह रही हूँ मैं। ठीक है, अब नेक्स्ट देखो डाक से रिलेटेड क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि जो सेक्शन ऑफिसर है वो सबसे पहले रिसीट्स को गो थ्रू करेगा, और कोई रिसीट अगर अर्जेंट होगी तो उनको सबमिट करेगा कि भाई ब्रांच ऑफिसर उसको देख ले, या फिर और हायर ऑफिसर को दिखाने की जरूरत है उनको दिखा ले। डाक की जो मूवमेंट है उसके ऊपर वॉच रखनी है। ठीक है, अब ये आ गया आपका टाइमलाइन वाला पोर्शन कि वंस अ वीक सेक्शन रजिस्टर को स्क्रूटिनाइज करना है कि वो ठीक से मेंटेन हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो जो सेक्शन रजिस्टर होता है उसके अंदर डाक से रिलेटेड चीजें होती हैं कि डाक जो है वो किस किस दिन आई है, किससे रिलेटेड है, उसका ब्रीफ सब्जेक्ट क्या है, कौन सी लैंग्वेज की डाक थी, कौन से फाइल नंबर से रिलेटेड है, उसका फाइल नंबर लिख दोगे। ठीक है,
बाकी किसको भेजी गई, फिर वो डाक और फिर क्या हुआ उसके ऊपर, ये सब। तो ये आपका सेक्शन रजिस्टर के अंदर आएगा और सेक्शन ऑफिसर हर हफ्ते एक बार चेक करेगा। ठीक है, अभी देखो अभी तो टाइमलाइन शुरू ही हुई है तो इसके अंदर कोई कंफ्यूजन नहीं रखनी है। हम ऐसा कर लेते हैं इसको याद करने के लिए कि भाई सेक्शन ऑफिसर जो है ये वीक के अंदर हर वीक में एक दिन, ये वीक्स है ठीक है, तो हर वीक के अंदर एक दिन जाके वो सेक्शन रजिस्टर देख ले कि वो ठीक से प्रॉपरली मेंटेन हो रहा है या नहीं हो रहा है। उसके बाद देखो डाक का डिजिटल रजिस्ट्रेशन को एंश्योर करेंगे कि भाई वो डिजिटली रजिस्टर हो जाए डाक। रिव्यू द कैटेगरी ऑफ द रिसीट टू एंश्योर करेक्ट लेबलिंग, वो चेक करेंगे कि वो रिसीट जो है, जो डाक आई है उसकी क्या कैटेगरी है, क्या वो वीआईपी रिसीट है, क्या वो एमपी से कोई लेटर आया है, क्या वो पब्लिक ग्रीवांस है, क्या वो आरटीआई है। ठीक है, इस तरीके से उसकी कैटेगरी रिव्यू करेंगे। तो हफ्ते में एक दिन सेक्शन ऑफिसर को क्या करना है, अपना जो सेक्शन रजिस्टर है उसको स्क्रूटिनाइज करना है वंस अ वीक। ठीक है, नेक्स्ट देखो और भी कुछ ड्यूटीज हैं सेक्शन ऑफिसर की, इश्यू ऑफ ड्राफ्ट से रिलेटेड, जो भी ड्राफ्ट गया है ठीक है, तो ड्राफ्ट पे अगर सपोज कुछ करेक्शन होकर आया अंडर सेक्रेटरी के पास से, तो ही विल सी कि ऑल द करेक्शंस हैव बीन मेड, और फिर वो चेक करेंगे कि भाई क्लीन कॉपी की जरूरत है कि नहीं है, दूसरा ड्राफ्ट चाहिए कि नहीं चाहिए, स्पेयर कॉपीज उसके ऊपर कितनी कितनी ड्राफ्ट की जो कॉपीज है वो कितनी करनी है, उनके एनक्लोजर पूरे हैं कि नहीं है, प्रायोरिटी मार्किंग है उसके ऊपर कि नहीं है, और मोड ऑफ डिस्पैच ठीक है कि वो बाय हैंड जाएगी या स्पीड पोस्ट जा रही है या व्हाटएवर। फाइन, इसके बाद ये देखो ये तो जनरल है, इसके अंदर कुछ एग्जाम पॉइंट भी कोई क्वेश्चन नहीं बनता है, बट स्टिल बन भी सकता है। आगे देखते हैं रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ एफिशियंट एंड एक्सपीडिशियस डिस्पोजल ऑफ वर्क एंड चेक्स ऑन डिलेज। देखो सेक्शन ऑफिसर का काम है क्योंकि सेक्शन का काम ठीक से होता रहे ये देखना, मॉनिटर करना और कोऑर्डिनेट करना। ठीक, तो इसलिए जो वर्क का डिस्पोजल है वो टाइमली डिस्पोजल हो जाए और कहीं पर भी डिले ना हो, ये भी काम क्या है सेक्शन ऑफिसर का है। तो इसके अंदर एक टाइमलाइन यहाँ पर है, बहुत सारी पता होगा कि रिपोर्ट्स वगैरह जाती रहती हैं है ना, टू कीप अ नोट ऑन इंपॉर्टेंट रिसीट विद अ व्यू टू वॉचिंग द प्रोग्रेस ऑफ द एक्शन टू एंश्योर टाइमली सबमिशन ऑफ एरियर एंड अदर रिटर्न्स, कोई भी रिटर्न है या कोई भी एरियर है उनका टाइमली सबमिशन हो जाए। अंडरटेक इंस्पेक्शन ऑफ डीलिंग ऑफिसर टेबल टू एंश्योर कि भाई जो भी उनके अंदर डीलिंग हैंड काम कर रहे हैं उनकी टेबल के ऊपर इंस्पेक्शन भी करना है ताकि कोई पेपर मिस ना हो जाए किसी से। ठीक है, कोई केस ऐसा ना हो कि जो बहुत टाइम तक हेल्ड अप ही हो रखा है, बस लटका ही हुआ है। ठीक है, और इसके बाद है देखो टू गो थ्रू द लिस्ट ऑफ पीरियोडिकल रिटर्न्स एवरी वीक एंड टेक सुटेबल एक्शन ऑन आइटम्स रिक्वायरिंग अटेंशन नेक्स्ट वीक। तो हर हफ्ते, अभी पीछे हमने देखा कि हर हफ्ते क्या क्या काम करना है, एक काम तो करना है भाई सेक्शन ऑफिसर जो सेक्शन रजिस्टर है उसको स्क्रूटिनाइज करना है, फिर हर हफ्ते जो पीरियोडिकल रिटर्न्स है जिनका कि पीरियड फिक्स होता है कि इस पीरियड के अंदर अंदर इंफॉर्मेशन देनी है ठीक, तो वो पीरियोडिकल रिटर्न्स की हर हफ्ते जो लिस्ट है उसको गो थ्रू करना है कि कोई चीज रह ना जाए। ठीक है, तो गो थ्रू लिस्ट ऑफ पीरियोडिकल रिटर्न्स, ये दो काम हो गए हर हफ्ते के वंस अ वीक। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ जाते हैं। सेक्शन ऑफिसर इज टू स्क्रूटिनाइज सेक्शन डिस्पैच रजिस्टर, सेक्शन से जो भी चीजें डिस्पैच हो रही हैं वो एक जगह पे नोट होकर जाती है ना, तो वो भी वंस अ वीक। ठीक, तो ताकि वो पता चले कि वो प्रॉपरली मेंटेन किया जा रहा है या नहीं किया जा रहा। तो अभी हमने देखा कि सेक्शन ऑफिसर की ड्यूटीज रिस्पॉन्सिबिलिटीज के अंदर एक ही टाइमलाइन है, लेकिन उसी एक टाइमलाइन के अंदर तीन चीजें करनी है उसको कि वंस अ वीक सेक्शन रजिस्टर, सेक्शन डिस्पैच रजिस्टर, और तीसरा था हमारा लिस्ट ऑफ पीरियोडिकल रिटर्न्स, इनको चेक करना है। ठीक है, अब फटाफट से रिवाइज कर लेते हैं हमने कितनी टाइमलाइन यहाँ पे कर ली है, फिर आगे की टाइमलाइंस करेंगे। देखो सबसे पहले हमने किया कि एलोकेशन ऑफ डिस्प्यूटेड रिसीट की टाइमलाइन क्या थी कि 2 दिन, और अगर अर्जेंसी ग्रेडिंग लगी हुई है तो जो अंडर सेक्रेटरी है उसको आधे दिन के अंदर डिस्प्यूट को सेटल करेंगे है ना। नेक्स्ट टाइमलाइन थी हमारी कि एमपी की तरफ से अगर लेटर आता है ठीक है, तो उसका एक्नॉलेजमेंट या फिर उसका रिप्लाई या फिर उसका इंटरिम रिप्लाई हमने किया ना, एमपी का लेटर आया तो या तो हम उसका एक्नॉलेजमेंट करेंगे या फिर उसका इंटरिम रिप्लाई दोगे, या फिर 5 दिन के अंदर तो उसको ट्रांसफर करोगे, वो तो 5 दिन था ठीक है, और एक्नॉलेजमेंट देने के अगले 15 दिन के अंदर उनका आपको एमपी के लेटर का रिप्लाई करना है। तो बेसिकली ये सारी टाइमलाइन जो क्या है 15 डेज। नेक्स्ट आपका कि अगर रॉन्गली एड्रेस कम्युनिकेशन आ गया तो उसको ट्रांसफर जो करना है वो कितने दिन में करना था, 5 डेज के अंदर उसको ट्रांसफर करना। नेक्स्ट ग्रीवांसेस को रिसीव और हियर करने का दिन, कौन हियर करता है इनको, डायरेक्टर ऑफ पब्लिक ग्रीवांस
है ना, किस दिन? वीक के मिड डे यानी वेंसडे, और वेंसडे का भी हाफ डे 10 से 1 बजे तक। ठीक है, नेक्स्ट आ जाओ, ग्रीवांस को डिस्पोज करने का टाइम 45 डेज, ये हम कर चुके। फिर कोई भी केस आप पेंडिंग नहीं रखोगे कितने दिन, 7 डेज, अनलेस डिपार्टमेंटल इंस्ट्रक्शंस के अंदर कोई हायर टाइम लिमिट नहीं प्रिस्क्राइब्ड है तो। ठीक है, उसके बाद है डिस्पोजल ऑफ अपील, अपील को 30 दिन के अंदर अंदर डिस्पोज करना है। इसके बाद था कि सेक्शन ऑफिसर जो है उनके पास क्या टाइमलाइन है, उससे रिलेटेड हमने क्या टाइमलाइंस पढ़ी है, उससे रिलेटेड हमने एक ही टाइमलाइन पढ़ी है 7 डेज की, और वो 7 डेज के अंदर क्या क्या करेगा, हर 7वें दिन या वंस अ वीक, ठीक है, किसी भी दिन वो सेक्शन रजिस्टर को चेक करेंगे, सेक्शन डिस्पैच रजिस्टर को चेक करेंगे, और जो भी पीरियोडिकल रिटर्न्स की लिस्ट है उसको गो थ्रू करेंगे। ठीक है, तो हम नेक्स्ट आ जाते हैं। अब नेक्स्ट टाइम, नेक्स्ट देखो चैप्टर 16 के अंदर यह हुआ इंस्पेक्शन, और इंस्पेक्शन क्या होता है, इंस्पेक्शन इज नॉट इन्वेस्टिगेशन, इंस्पेक्शन इज लाइक कि भाई किसी हर सेक्शन का जो इंस्पेक्शन होगा साल में एक बार होगा, और उसमें देखा जाएगा कि भाई CSMOP जो है वो ठीक से फॉलो हो रही है या नहीं हो रही है, या फिर उसके अंदर कुछ इंप्रूवमेंट हो सकती है। ठीक है, और इंस्पेक्टिंग ऑफिसर्स ने जो भी इंप्रूवमेंट्स बताए थे क्या वो इम्प्लीमेंट हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं सेक्शन के अंदर, तो इट्स लाइक कि भाई कि काम जो है वो और बेटर तरीके से कैसे हो सकता है, इसलिए ये इंस्पेक्शन किए जाते हैं। ठीक है, तो इंस्पेक्शन करने के टाइमलाइन है कि एटलीस्ट वंस अ ईयर हर सेक्शन को इंस्पेक्शन किया जाना चाहिए। ठीक, तो कौन करेगा, पहली बात तो द वर्क ऑफ इंस्पेक्शन एक्टिविटी इज गिवन टू अ सेक्शन एंड ऑफिसर्स एंट्रस्टेड विद दीज रिस्पॉन्सिबिलिटीज। कोई एक सेक्शन बना दिया जाए और उसके अंदर ऐसे ऑफिसर्स जिनको कि ये रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाए डिपार्टमेंटल इंस्ट्रक्शन के थ्रू कि आप इंस्पेक्शन करेंगे। ठीक है, तो वंस अ ईयर इंस्पेक्शन होना चाहिए। नेक्स्ट कि डिपार्टमेंट जो है वो अपने अटैच और सबॉर्डिनेट ऑफिस का भी इंस्पेक्शन करेगा, वो भी वंस अ ईयर है, यानी साल में एक बार इंस्पेक्शन करना है, ऐसा नहीं कि हर महीने इंस्पेक्शन करने आ रहे हैं। ठीक है, तो पूरे साल के अंदर एक ही बार इंस्पेक्शन होना है। फाइन, नेक्स्ट आ जाओ, अब इंस्पेक्शन होएगा तो इंस्पेक्शन रिपोर्ट भी बनेगी, जिसने भी इंस्पेक्ट किया है विल बी इंस्पेक्टिंग ऑफिसर, तो वो अपनी रिपोर्ट जो है वो हायर ऑफिसर को सबमिट करेंगे। ठीक है, और डिविजनल हेड पढ़ेंगे हम इसको भी कि डिविजनल हेड कौन होता है, डिविजनल हेड वैसे डायरेक्टर होता है, डिवीजन का हेड डायरेक्टर या फिर डिप्टी सेक्रेटरी। ठीक है, तो उन डिविजनल हेड को भी एक कॉपी दी जाएगी कि आपके अंडर अंडर जो सेक्शंस हैं उनके अंदर उसकी जो इंस्पेक्शन रिपोर्ट है वो ये है। ठीक है, तो अब इसके अंदर टाइमलाइन क्या है, तो उसकी टाइमलाइन देखो यहाँ पर है, द सेक्शन ऑफिसर्स डेस्क फंक्शनरी विल टेक नेसेसरी एक्शन टू रेक्टिफाई द डिफेक्ट्स पॉइंटेड आउट इन इंस्पेक्शन रिपोर्ट। जो इंस्पेक्शन रिपोर्ट सबमिट की गई है उसके अंदर पता चलेगा कि भाई कुछ दिक्कतें हैं या नहीं है, कुछ डिफेक्ट्स पॉइंट आउट किए गए हैं कि नहीं गए हैं इंस्पेक्शन के अंदर। ठीक है, तो उन डिफेक्ट्स के ऊपर कंप्लायंस रिपोर्ट जो सेक्शन ऑफिसर है या फिर डेस्क ऑफिसर है, डेस्क फंक्शनरी है, वो अपने सीनियर ऑफिसर को 15 दिन के अंदर अंदर बना के देंगे। ठीक है, और कॉपी डिविजनल हेड को भी जाएगी क्योंकि इंस्पेक्शन रिपोर्ट की कॉपी भी डिविजनल हेड को गई थी, तो अब ये समझो ये DS है, ठीक है, जो कि डिविजनल हेड है, ये US है इनके अंडर, और इनके अंडर कुछ सेक्शन है, ठीक, तो ये है इंस्पेक्शन रिपोर्ट। इंस्पेक्शन रिपोर्ट इनको भी दी जाएगी जिसके अंदर की कुछ डिफेक्ट्स लिखे होंगे, और इंस्पेक्शन रिपोर्ट की एक कॉपी DS को दी जाएगी। अब इन डिफेक्ट्स को कंप्लायंस करने के बाद जो सेक्शन ऑफिसर है या फिर अगर ये डेस्क है तो डेस्क फंक्शनरी अपनी जो कंप्लायंस रिपोर्ट है उन डिफेक्ट्स की वो 15 डेज के अंदर अपने हायर ऑफिसर को देंगे, और एक कॉपी उसकी डिविजनल हेड को भी जाएगी। ठीक है, फिर ही विल रिव्यू। MOP के अंदर ये भी चीज है कि कौन सा काम कौन करेगा, इसके ऊपर अगली वीडियो आएगी कि किसको कौन सा काम एलोकेटेड है, कौन कौन सी रिपोर्ट सबमिट करेगा, कौन रिपोर्ट वो बनाएगा। ठीक है, कौन से लेवल का ऑफिसर किस लेवल पर होना चाहिए, तो ये सारी चीजें के लिए भी इसकी नेक्स्ट वीडियो बनेगी, वो आप जरूर देखना। खैर फिलहाल हम यहाँ पे टाइमलाइन कर रहे हैं, तो यहाँ पर 15 डेज की टाइमलाइन है कि इंस्पेक्शन रिपोर्ट की कंप्लायंस रिपोर्ट कौन देगा, सेक्शन ऑफिसर देगा, और 15 डेज के अंदर देगा। ठीक है, और कंप्लायंस रिपोर्ट विल बी गवर्न्ड बाय जो भी डिपार्टमेंटल इंस्ट्रक्शन होंगे उनसे गवर्न होगी। नेक्स्ट आ जाते हैं, तो नेक्स्ट टाइमलाइन है चैप्टर 12 के अंदर पार्लियामेंट्री एश्योरेंस से रिलेटेड। पार्लियामेंट्री एश्योरेंस क्या होते हैं, जब भी मिनिस्टर किसी भी हाउस ऑफ पार्लियामेंट के अंदर डिस्कशन के टाइम, क्वेश्चन के रिप्लाई के टाइम पे, मोशन के टाइम पे, या एनी टाइम कोई ऐसा एश्योरेंस देते हैं जिसको कि पूरा करना है फिर अब। ठीक है, तो वो किसी मिनिस्ट्री से रिलेटेड होगा, तो इसलिए एक रजिस्टर बनाया जाता है, एक रजिस्टर मेंटेन किया जाता है हर सेक्शन के अंदर जिसके अंदर की पार्लियामेंट्री एश्योरेंसेस लिखे जाते हैं। ठीक, तो अच्छा एक यहाँ पर इंपॉर्टेंट है पॉइंट, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से क्या, कि सेपरेट रजिस्टर मेंटेन होता है फॉर ईच हाउस, तो यानी दो रजिस्टर रहेंगे, लोकसभा का एक
लोकसभा के एश्योरेंसेस का एक अलग रजिस्टर और राज्यसभा के एश्योरेंसेस का अलग रजिस्टर, और उसके अंदर जो एंट्रीज है वो सेशन वाइज एंट्रीज होती हैं। ठीक है, तो ये सारी चीजें एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट आ जाते हैं पार्लियामेंट एश्योरेंसेस के जो रजिस्टर है उससे रिलेटेड टाइमलाइंस क्या है। तो यहाँ पर हम इसको एक चार्ट की तरफ से मैं आपको बता देती हूँ। ये सेक्शन ऑफिसर है, सेक्शन ऑफिसर वंस अ वीक, देखो सेक्शन ऑफिसर जो है वो वंस अ वीक की सेक्शन रजिस्टर को भी स्क्रूटिनाइज कर रहा था, सेक्शन डिस्पैच रजिस्टर को भी स्क्रूटिनाइज कर रहे थे वंस अ वीक, एंड देन लिस्ट ऑफ पीरियोडिकल रिटर्न्स इसको भी वंस अ वीक ही स्क्रूटिनाइज कर रहे थे। तो नेक्स्ट जो रजिस्टर है आपका पार्लियामेंट्री एश्योरेंस का रजिस्टर है उसको भी वंस अ वीक ही स्क्रूटिनाइज करना है। ठीक है, तो ये रहा पार्लियामेंट्री एश्योरेंस का रजिस्टर और इसको 7 डेज के अंदर एक बार स्क्रूटिनाइज करना है, और स्क्रूटिनाइज करने के बाद हर 15 दिन में वो रजिस्टर ब्रांच ऑफिसर यानी कि यूएस को सबमिट करना है। 15 दिन के अंदर कब सबमिट करना है? अगर वो सेशन में है तो, पार्लियामेंट अगर सेशन में है तो, अगर नहीं है सेशन में तो 30 डेज, इफ नॉट इन सेशन। ठीक है, सबमिट तब भी करना है यूएस को ही है। यूएस क्या करेगा आगे भाई, यूएस जो है वो अपने हायर ऑफिसर को सबमिट करेंगे या उसको इन्फॉर्म रखेंगे अपने हायर ऑफिसर्स को। खैर यहाँ पे 3 टाइमलाइंस आई कि पार्लियामेंट्री एश्योरेंस का रजिस्टर जो सेक्शन ऑफिसर है वो विद इन अ वीक एक बार स्क्रूटिनाइज करेंगे चेक करने के लिए कि फॉलो अप एक्शन हो रहा है या नहीं हो रहा है। 15 दिन के अंदर उसको यूएस को भेजेंगे अगर सेशन के अंदर है पार्लियामेंट, और 30 डेज के अंदर उसको यूएस को भेजेंगे अगर पार्लियामेंट सेशन में नहीं है। और दूसरा, उस रजिस्टर के अंदर स्पेसिफिकली स्पेशल अटेंशन लिख के देंगे कि भाई कौन सा पर्टिकुलर एश्योरेंस ऐसा है कि वो विद इन अ पीरियड ऑफ 3 मंथ्स नहीं हो सकता। ठीक है, तो उस चीज के ऊपर स्पेशली अटेंशन देकर अपना जो अंडर सेक्रेटरी है उसको इन्फॉर्म रखेंगे कि भाई 3 महीने के अंदर ये वाला एश्योरेंस नहीं हो सकता। तो ये भी एक टाइम लाइन है कि 3 महीने का अगर एश्योरेंस अगर कंप्लीट नहीं हो रहा है 3 महीने के अंदर अंदर, तो वो आप अपने हायर ऑफिसर को बता के रखोगे। फिर ब्रांच ऑफिसर क्या करेगा, वो अपने हायर ऑफिसर को या फिर मिनिस्टर को इन्फॉर्म करेंगे कि भाई जो भी प्रोग्रेस है पार्लियामेंट्री एश्योरेंस से रिलेटेड, और इनकेस कोई डिले है तो उसको भी नोटिस में लेकर आएंगे। ठीक है, नेक्स्ट नेक्स्ट देखो चेकलिस्ट ऑफ पीरियोडिकल रिपोर्ट्स। कुछ रिपोर्ट्स हैं जो क्वार्टरली जाती हैं, कुछ रिपोर्ट्स वीकली रिपोर्ट हो सकती हैं, कोई मंथली रिपोर्ट हो सकती है। तो जो भी पीरियोडिकल रिपोर्ट्स हैं जो कि किसी ना किसी पीरियड के अंदर फ्रीक्वेंटली जाती हैं, ठीक, किसी भी फ्रीक्वेंसी से जाती हैं, तो उसकी चेकलिस्ट बना के रखनी है। ठीक, तो पीरियोडिकल रिपोर्ट्स का टाइमली मिलना, उनका प्रिपेरेशन और उनका डिस्पैच, इसके लिए हर सेक्शन के अंदर 2 चेकलिस्ट बनेगी। कितनी चेकलिस्ट? 2 चेकलिस्ट, एक इनकमिंग रिपोर्ट्स के लिए यानी कि जो सेक्शन खुद मेंटेन कर रहा होगा, और दूसरा आउटगोइंग रिपोर्ट्स के लिए कि हमें जो रिपोर्ट सबमिट करनी है। ठीक है, उसके फॉर्म भी दे रखे हैं आपके एमओपी में, आप देख सकते हो। ऑल द पीरियोडिकल रिपोर्ट्स, ठीक है, ऑफ अप्रोप्रिएट चेकलिस्ट, उनकी फ्रीक्वेंसी के अकॉर्डिंग उनको हम लिस्ट करेंगे कि भाई जो वीकली रिपोर्ट्स हैं वो पहले, फोर्टनाइटली रिपोर्ट्स बाद में, क्वार्टरली रिपोर्ट्स उसके बाद, या वट एवर। ठीक है, फिर आ जाओ जो ये चेकलिस्ट हैं, अब क्योंकि भाई जो रिपोर्ट्स हैं पीरियोडिकल रिपोर्ट्स वो हर साल जाती ही होंगी, तो इसलिए वो जो चेकलिस्ट है वो हर साल के शुरू में बन जानी चाहिए, अप्रूव्ड बाय सेक्शन ऑफिसर। उस चेकलिस्ट को अप्रूव कौन करेगा? सेक्शन ऑफिसर अप्रूव करेगा, और उस चेकलिस्ट को ब्रांच ऑफिसर जो है वो देखेगा। ठीक है, अगेन देखो सेक्शन ऑफिसर का फिर से क्या काम है कि वंस अ वीक वो चेकलिस्ट जरूर देखनी है कि भाई कोई रिपोर्ट रह ना जाए, कोई रिपोर्ट आई है कि नहीं आई है ना, जो कि वीकली रिपोर्ट थी वो भेजने में लेट तो नहीं हो गई है, क्वार्टरली रिपोर्ट भेजने में लेट तो नहीं हो गई है, या फिर मिलने में लेट तो नहीं हो गया है। तो वंस अ वीक जो सेक्शन ऑफिसर है वो इन चेकलिस्ट से गो थ्रू करेगा। तो यहाँ पर आपकी 2 टाइमलाइंस हैं। पहली टाइमलाइन की हर साल के स्टार्टिंग के अंदर जो चेकलिस्ट है, 2 चेकलिस्ट, एक इनकमिंग और एक आउटगोइंग, ये चेकलिस्ट है। ठीक है, तो वो हर साल के स्टार्टिंग में बन जानी चाहिए, और एसओ जो है वो उनको वीकली स्क्रूटिनाइज करेंगे, गो थ्रू करेंगे। तो नेक्स्ट है चैप्टर नंबर 12 के अंदर डिस्पोजल ऑफ पेंडिंग मैटर से रिलेटेड कुछ टाइमलाइंस। अगर कोई एमपी का लेटर है, कोई एश्योरेंस है, पार्लियामेंट्री एश्योरेंस, कोई ग्रीवांस है, ठीक है, जो कि काफी टाइम से पेंडिंग पड़ा है, तो इन सबको खत्म करने के लिए, इन सबको डिस्पोज करने के लिए जो डीआरपीजी है उसने कैंपेन रन किया था, एक स्पेशल कैंपेन रन किया था 2 अक्टूबर से 31 अक्टूबर 2021 के अंदर। तो ये डेट जरूर याद रहनी चाहिए, ये स्पेशल कैंपेन टू डिस्पोज ऑफ द रेफरेंसेज या टू डिस्पोज ऑफ द पेंडिंग मैटर्स कब अंडरटेक किया गया, तो 2 से 31 अक्टूबर 2021 तक अंडरटेक किया गया। और एज अ सीक्वल क्या मिनिस्ट्रीज और डिपार्टमेंट्स को इंस्ट्रक्शंस है, वो इंस्ट्रक्शंस है ये कि हर हफ्ते के 3 दिन इस बात को डेडिकेट करने हैं कि कोई भी पेंडिंग मैटर जो है वो बहुत टाइम से पेंडिंग ना रहा हो।
ठीक है, इस तरीके के जो पेंडिंग मैटर्स हैं। तो हर हफ्ते में 3 दिन इस स्पेशल कैंपेन को देने हैं। उसके बाद हर मिनिस्ट्री जो है वो नोडल ऑफिसर्स बनाएगी, जो कि जेएस लेवल से नीचे नहीं होंगे। ठीक है, तो जेएस लेवल पे होना चाहिए अंडर जो नोडल ऑफिसर है। क्यों? क्योंकि देखो पेंडिंग मैटर कौन से हैं, एमपीज के पेंडिंग मैटर्स की बात कर रहे हैं, पार्लियामेंट्री एश्योरेंस की पेंडिंग मैटर की बात कर रहे हैं, तो ऑफकोर्स जो नोडल ऑफिसर होगा ऐसा तो होगा नहीं। तो कम से कम जेएस के लेवल पे होना चाहिए, क्योंकि इस तरीके के इंपॉर्टेंट पेंडिंग मैटर्स हैं। और ही विल आइडेंटिफाई कि भाई कौन से पेंडिंग मैटर्स हैं, उनको मॉनिटर कैसे करना है, उनसे डेटा डीआरपीसी से डेटा लेना है। तो जेएस क्या करेंगे, जो भी नोडल ऑफिसर अपॉइंट होंगे जेएस, वो महीने के फर्स्ट डे को, ठीक है, एवरी फर्स्ट डे ऑफ एवरी मंथ, तो फर्स्ट ऑफ एवरी मंथ वो इस चीज को देखेंगे कि आइडेंटिफाई पेंडिंग मैटर्स को आइडेंटिफाई करना है और उनको मॉनिटरिंग करनी है। ठीक है, उसके बाद जेएस के ऊपर कौन, सेक्रेटरी, सेक्रेटरी भी जो इन पेंडिंग मैटर्स की मॉनिटरिंग है वो मंथली बेसिस पर करेंगी। तो हर महीने एक रिपोर्ट बनेगी, हर महीने ये चीज देखी जाएगी कि भाई कितने पेंडिंग मैटर्स हैं और अभी तक क्यों नहीं रिजॉल्व हुए हैं, फाइन। और ये जो कैंपेन है वो मिनिस्ट्रीज, डिपार्टमेंट्स के आउटस्टेशन ऑफिसेज, उनके ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशन, उनके सबॉर्डिनेट अटैच ऑफिस, सबके ऊपर इंप्लीमेंट किया जाएगा। तो क्या कैंपेन है, कैंपेन है कि हर हफ्ते में 3 दिन इस चीज को देने हैं कि ये कोई सी भी चीज पेंडिंग ना रहे। ठीक है, और जेएस लेवल का ऑफिसर, कम से कम जेएस लेवल का ऑफिसर उस चीज को मॉनिटर करेगा और सेक्रेटरीज भी उसको मॉनिटर करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट आ जाए, नेक्स्ट है एनुअल एक्शन प्लान एंड सिटीजन क्लाइंट चार्टर। भाई एनुअल एक्शन प्लान है ना, तो कब बनना चाहिए, ये साल के शुरू में बनना चाहिए, क्योंकि एनुअल एक्शन प्लान है। तो इसलिए किसी भी मिनिस्ट्री और डिपार्टमेंट के अंदर क्या प्रोग्राम्स और क्या प्रोजेक्ट अंडरटेक किए जाएंगे सिस्टमेटिक मैनर के अंदर, ठीक है, किस तरीके से उनको इंप्लीमेंट किया जाए सिस्टमेटिक मैनर के अंदर, तो इसलिए हर मिनिस्ट्री और हर डिपार्टमेंट अपना एक एनुअल एक्शन प्लान बनाएंगे इन द मंथ ऑफ जनवरी, कि हम इस पूरे साल में ये प्रोजेक्ट्स, ये स्कीम्स लॉन्च करने वाले हैं, ये काम करने वाले हैं। ठीक है, तो मंथ ऑफ जनवरी में ही बन जाना चाहिए। अब जनवरी में ही बन जाएगा पूरे साल का प्लान, तो भाई थोड़ा सा ब्रेकअप होना चाहिए, क्योंकि पूरे साल का उसका फिर मॉनिटर कैसे करेंगे। तो इसलिए मंथ वाइज ब्रेकअप रहेगा कि इस पर्टिकुलर मंथ में ये करेंगे, फिर फरवरी में ये, मार्च में ये, अप्रैल में ये, तभी वो जो एनुअल एक्शन प्लान है वो ठीक से इंप्लीमेंट होगा, जब तक वो ठीक से ब्रेकअप नहीं होगा। ठीक है, तो इसलिए मंथ वाइज ब्रेकअप के साथ मंथ ऑफ जनवरी के अंदर एक एनुअल एक्शन प्लान बनाना है, फाइन। इसके बाद देखो जो एक्शन प्लान है, जो भी एक्शन प्लान बनाया गया है, उसके ऊपर लेवल ऑफ अकाउंटेबिलिटी चेक किया जाएगा कि भाई कौन अकाउंटेबल है इस काम के लिए, कि मार्च के अंदर अगर कुछ काम होना है तो उसके लिए कौन अकाउंटेबल है, कौन करेगा उसको, तो लेवल ऑफ अकाउंटेबिलिटी आइडेंटिफाई किए जाएंगे। अचीवमेंट ऑफ एक्शन प्लान टारगेट्स, एनुअल एक्शन प्लान का देखो फॉर्मुलेशन और फिर उसकी अकाउंटेबिलिटी, और उसके अंदर फिर देखना है कि एक्शन प्लान जो था वो सपोज जनवरी का था, तो उसके अंदर क्या वो पूरा हुआ, नहीं हुआ, तो उसका अचीवमेंट ऑफ एक्शन प्लान टारगेट्स भी बनाए जाएंगे। नेक्स्ट है रिव्यू, ईच ऑफिसर विल रिव्यू द प्रोग्रेस मेड अगेंस्ट एक्शन पॉइंट्स पर्टेन टू हिज और हर चार्ज एवरी वीक। अब देखो पहले एनुअल एक्शन प्लान को मंथ में बांटा, ठीक है, ये मंथ में बांटा है, अब फिर मंथ के बाद उसको वीकली बांटा है। ठीक है, हर वीक में वो चेक करेंगे कि भाई इस एनुअल एक्शन प्लान का इतना पार्ट इस वीक में कवर हो जाना चाहिए था। तो हर ऑफिसर वो इस पर्टिकुलर एक्शन प्लान के अंदर जिस भी चीज के लिए अकाउंटेबल है, जिस भी चीज का चार्ज उसके पास है, तो वो हर वीक उसको प्रोग्रेस को रिव्यू करेंगे एंड टेक अप्रोप्रिएट स्टेप्स फॉर इफेक्टिव एंड टाइमली इम्प्लीमेंटेशन। ठीक है, और मिनिस्ट्री डिपार्टमेंट की जो सेक्रेटरी है वो एक्शन प्लान से के रेस्पेक्ट में उनकी परफॉर्मेंस को रिव्यू करने के लिए एक मंथली मीटिंग लेंगे। अब कुछ सोचो भाई, सेक्रेटरी इतनी बिजी होते हैं मिनिस्ट्री के, तो वो हर हफ्ते तो मीटिंग ले नहीं सकते कि भाई कितना एनुअल प्लान हुआ, कितना एनुअल एक्शन प्लान हुआ, तो इसलिए वो मंथली मीटिंग लेंगे, क्योंकि सबसे पहले उसको मंथ में डिवाइड किया गया था। ठीक है, तो मंथ में डिवाइड किया गया था, इसलिए सेक्रेटरी जो है वो मंथली मीटिंग लेंगे, और आपका जो ऑफिसर है, ठीक है, कोई भी ऑफिसर जो कि रिस्पॉन्सिबल है एक्शन प्लान के किसी भी पार्ट के लिए, वो वंस अ वीक उसको रिव्यू करेंगे। ठीक, और जो आपका एक्शन प्लान है वो एनुअल एक्शन प्लान है, वो मंथ ऑफ जनवरी से स्टार्ट होगा। ठीक है, इतनी ही इसके अंदर टाइमलाइन दी हुई है। अब आगे थोड़ा सा रिवीजन करते हैं। हमने क्या देखा, एसओ जो है वो एश्योरेंस रजिस्टर को कितने टाइम में स्क्रूटिनाइज करेगा, 7 डेज के अंदर। ठीक है, इसके अलावा और कौन कौन सी चीजें थी, डायरी सेक्शन रजिस्टर था, सेक्शन डिस्पैच रजिस्टर था, और रजिस्टर ऑफ पार्लियामेंट्री एश्योरेंसेस था, है ना। नेक्स्ट देखो, जो इंस्पेक्शन रिपोर्ट थी, जो इंस्पेक्शन हुआ था वंस अ ईयर
हर सेक्शन का इंस्पेक्शन होना चाहिए। यहाँ पे मैं लिख देती हूँ कि जो इंस्पेक्शन है वो वंस अ ईयर पढ़ा था हमने, कि हर सेक्शन का, हर डेस्क का वंस अ ईयर इंस्पेक्शन होना चाहिए कि वो एमओपी ठीक से फॉलो हो पा रही है या नहीं हो पा रही है, और जो इंस्पेक्टिंग ऑफिसर ने जो उसके अंदर रिमार्क्स दिए कि किस तरीके से इम्प्रूवमेंट हो सकता है, तो वो इम्प्रूवमेंट जो है वो कंप्लाई किए गए कि नहीं किए गए। तो ये जो कंप्लायंस रिपोर्ट है ये सेक्शन ऑफिसर सबमिट करेगा अपने सीनियर ऑफिसर को कितने दिन में, 15 दिन के अंदर, इंस्पेक्शन रिपोर्ट के बनने के 15 दिन के अंदर। ठीक है, नेक्स्ट आ जाओ, जो एश्योरेंस रजिस्टर है ना, पार्लियामेंट्री एश्योरेंस रजिस्टर जो कि एसओ स्क्रूटिनाइज कर रहा था वंस अ वीक, तो उसको सबमिट कब करना है? तो वो एश्योरेंस सबमिट, एश्योरेंस रजिस्टर सबमिट होगा यूएस को 15 डेज में अगर पार्लियामेंट सेशन में है तो, और 1 मंथ अगर नॉट इन सेशन है तो। ठीक है, चल जाते हैं, चेकलिस्ट ऑफ पीरियोडिकल रिपोर्ट्स, कि कौन सी पीरियोडिकल रिपोर्ट सेक्शन से जानी है, कौन सी पीरियोडिकल रिपोर्ट सेक्शन को आनी है। ठीक है, इसके लिए 2 चेकलिस्ट बनेंगी, 1 एंड 2। ठीक है, विद द अप्रूवल ऑफ हुम? विद द अप्रूवल ऑफ सेक्शन ऑफिसर। ठीक है, तो ये चेकलिस्ट बनेगी कब? हर साल ही चेकलिस्ट बनेगी, एवरी ईयर। ठीक है, नॉट एवरी मंथ बट एवरी ईयर। सेक्शन ऑफिसर विल गो थ्रू द चेकलिस्ट। अब जो चेकलिस्ट अभी पीछे हमने बात करी है, वो जो चेकलिस्ट है चाहे इनकमिंग है चाहे आउटगोइंग चेकलिस्ट है, ठीक है, चाहे आउटगोइंग रिपोर्ट्स है, तो उनको सेक्शन ऑफिसर वंस अ वीक गो थ्रू करेंगे, वंस अ वीक। नेक्स्ट आ जाओ, डिस्पोजल ऑफ पेंडिंग मैटर्स के लिए जो स्पेशल कैंपेन है, वो स्पेशल कैंपेन किस तरीके का होगा कि हर वीक के 3 आवर्स डेडिकेट करने हैं उन पेंडिंग मैटर्स के डिस्पोजल के लिए, तो एवरी वीक 3 आवर्स। सेक्रेटरीज जो है वो उस स्पेशल कैंपेन की मॉनिटरिंग करेंगे, उसकी प्रोग्रेस को मॉनिटर करेंगे, तो वो कब? मंथली। तो मैंने बोला सेक्रेटरी के पास इतना टाइम तो है नहीं कि हर हफ्ते वो चेक करें कि भाई कितना प्रोग्रेस हुआ, डिस्पोजल हुआ कि नहीं हुआ पेंडिंग मैटर का, तो इसलिए वो मंथ में एक बार करेंगे, है ना। नेक्स्ट आ जाते हैं, एनुअल एक्शन प्लान जो है वो हर जनवरी बनेगा, क्योंकि एनुअल एक्शन प्लान है तो साल के शुरू में बन जाना चाहिए। नेक्स्ट आ जाते हैं, रिव्यू ऑफ प्रोग्रेस मेड अगेंस्ट एक्शन पॉइंट बाय द ऑफिसर। ये किसकी बात हो रही है? ये एनुअल एक्शन प्लान की बात हो रही है, और उस एक्शन प्लान के अंदर जिसको कि सब डिवाइड किया गया था मंथ के अंदर, और उसको भी सब डिवाइड किया गया था वीक के अंदर, तो हर वीक जो एनुअल एक्शन प्लान के एक्शन पॉइंट्स हैं उन एक्शन पॉइंट्स के ऊपर जो प्रोग्रेस हुई है उसका रिव्यू हर हफ्ते होना चाहिए। ठीक है, चाहे सेक्रेटरी उसको मंथली देखेंगी, सेक्रेटरी मंथली मीटिंग लेंगी उसके रिव्यू को मॉनिटर करने के लिए, बट जो ऑफिसर है वो हर हफ्ते उसके एक्शन पॉइंट्स को रिव्यू करेंगे। नेक्स्ट देखो, ये हमने करी लिया रिव्यू प्रोग्रेस ऑफ एक्शन प्लान बाय सेक्रेटरी, तो एवरी मंथ। तो नेक्स्ट टाइम लाइन है रिकॉर्डिंग और रिव्यूइंग से रिलेटेड, और इसके अंदर क्या है कि रिकॉर्ड ऑफिसर जो है वो हर क्वार्टर के अंदर डुप्लीकेट में प्रोग्रेस रिपोर्ट प्रिपेयर करेंगे। ठीक है, तो हर क्वार्टर में, जैसे कि जनवरी टू मार्च का एक क्वार्टर हो गया, फिर अप्रैल टू जून का हो गया, तो वो इस पर्टिकुलर क्वार्टर के अंदर सपोज कोई रिपोर्ट सबमिट करते हैं, रिपोर्ट जो है वो बनाते हैं, प्रोग्रेस रिपोर्ट बना रहे हैं, तो ये जो प्रोग्रेस रिपोर्ट होगी उसके अंदर क्या होगा कि प्रीवियस क्वार्टर के अंदर कितनी फाइल्स रिव्यू हुई और कितनी फाइल्स रिकॉर्ड हुई। ठीक है, इसके ऊपर प्रोग्रेस होगी, तो प्रीवियस क्वार्टर के अंदर क्या फाइल्स रिकॉर्ड हुई, क्या रिव्यू हुई, वो नेक्स्ट क्वार्टर में उसकी रिपोर्ट बनेगी। तो यानी कि रिपोर्ट तो क्वार्टरली ही रही, बट वो प्रीवियस क्वार्टर, प्रीसीडिंग क्वार्टर से रिलेटेड रिपोर्ट होगी। ठीक है, वो रिपोर्ट किसको सबमिट होगी? वो रिपोर्ट होगी सेक्शन ऑफिसर को सबमिट। फाइन, तो ये हो गई एक टाइमलाइन कि रिकॉर्ड ऑफिसर हर क्वार्टर में ये रिपोर्ट बनाएगा कि कितनी फाइलें रिकॉर्ड हो रही हैं और कितनी फाइलें रिव्यू हो रही हैं। नेक्स्ट आ जाते हैं, नेक्स्ट है रिक्विजिशन ऑफ रिकॉर्ड्स। भाई रिकॉर्ड जो है वो, जो फाइल्स हैं वो सेक्शन के अंदर सारी फाइलें नहीं हो सकती, तो हमें रिकॉर्ड जो है वो मंगाने भी पड़ सकते हैं। ठीक है, तो वो रिक्विजिशन जो है, देखो, फाइल्स ऑब्टेन्ड बाय अ सेक्शन फ्रॉम द डिपार्टमेंटल रिकॉर्ड रूम विल नॉर्मली बी रिटर्न्ड विद इन 6 मंथ्स। कि आपने रिकॉर्ड रूम से कोई एक फाइल मंगाई है तो आप 6 महीने के अंदर उसको वापस करोगे। ठीक है, और अगर वो वापस नहीं किया आपने तो जो रिकॉर्ड रूम है वो इस चीज़ के लिए रिमाइंडर भेजेगा आपको कि भाई हमारी फाइल वापस करो। फाइन, फॉर दिस पर्पस जो रिकॉर्ड रूम है वो एक सिंपल रजिस्टर मेंटेन करेगा, और उस रजिस्टर के अंदर वो चेक करेंगे कि हर महीने के अंदर कितनी फाइलें कौन से सेक्शन को गई हुई है, फॉर कीपिंग अ रिकॉर्ड ऑफ द फाइल्स इशू टू द वेरियस सेक्शन ईच मंथ। ठीक है, तो सपोज ये जनवरी है, ये फरवरी है, तो जनवरी के अंदर कितनी फाइलें, फाइल नंबर्स और कौन से सेक्शन को ये फाइलें गई हुई हैं, तो ये हर महीने एक रजिस्टर के अंदर रिकॉर्ड रूम जो है वो मेंटेन करेगा इस
तरीके के रजिस्टर को, और ये एक टाइमलाइन है कि सेक्शन ने अगर डिपार्टमेंटल रिकॉर्ड रूम से अगर कोई फाइल मंगाई है तो वो उस फाइल को वापस करेंगे 6 मंथ्स के अंदर। ठीक है, नेक्स्ट आ जाओ। फिर से इंस्पेक्शन के बारे में बात हो गई है। इंस्पेक्शन मैंने बताया था कि जो इंस्पेक्शन है वो साल में एक बार होगा, हर सेक्शन का, हर डेस्क का साल में एक बार, वंस अ ईयर इंस्पेक्शन होगा। इंस्पेक्टिंग ऑफिसर जो है वो उसको इंस्पेक्ट करेगा। अब यहाँ पे देखो, शैल बी इंस्पेक्टेड बाय एन ऑफिसर नॉट बिलो द लेवल ऑफ डीएस। कौन, कम से कम कौन से लेवल का ऑफिसर इस सेक्शन को या फिर डेस्क को जो है इंस्पेक्ट करेगा? कम से कम डीएस के लेवल का ऑफिसर। ठीक, और जिस भी सेक्शन का इंस्पेक्शन हो रहा है, सपोज इस सेक्शन का इंस्पेक्शन हो रहा है, तो इनकी हायरार्की में ये डीएस नहीं होने चाहिए। ठीक है, तो किसी और सेक्शन के हायरार्की के अंदर कोई डीएस है तो सपोज इनको डेजिग्नेट किया गया कि आप इस सेक्शन का इंस्पेक्शन करो। फाइन, तो यहाँ पर क्या टाइमलाइन मिली? एक तो वंस अ ईयर जो तुम पहले कर ही चुके हैं, दूसरा यहाँ पर ये पता चला वर्क एलोकेशन कि डीएस, कम से कम डीएस के लेवल का पर्सन जो है, कम से कम डीएस के लेवल का ऑफिसर इंस्पेक्शन करेगा। अब देखो क्या है, जो सेंट्रल रजिस्ट्री यूनिट है इट शैल बी इंस्पेक्टेड, वो भी इंस्पेक्ट होगी। ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ द इनपुट्स गिवन इन अपेंडिक्स, जो भी अपेंडिक्स है। तो सीआरयू कब इंस्पेक्ट होगी? वंस इन ईच क्वार्टर। ठीक है, वंस इन ईच क्वार्टर। फिर रिकॉर्ड रूम भी इंस्पेक्ट होगा, तो रिकॉर्ड रूम्स भी इंस्पेक्ट होगा वंस अ ईयर। तो यहाँ पर हमने तीन टाइमलाइन देखी, एक तो सीआरयू, एक डिपार्टमेंट का रिकॉर्ड रूम, ठीक है, और एक सेक्शन या डेस्क। तो ये वंस अ ईयर, ये भी वंस अ ईयर डिपार्टमेंटल रिकॉर्ड रूम, और जो डिपार्टमेंटल रिकॉर्ड रूम का इंस्पेक्शन है इट विल बी इंस्पेक्टेड इन एसोसिएशन विद अ रिप्रेजेंटेटिव फ्रॉम नेशनल आर्काइव्स, एनएआई के रिप्रेजेंटेटिव्स के साथ उसका इंस्पेक्शन किया जाएगा कि ठीक तरीके से वो रिकॉर्ड रूम मेंटेन किया जा रहा है, उसके अंदर जो फाइल्स हैं वो ठीक तरीके से मेंटेन की जा रही है या नहीं की जा रही है ना, क्योंकि आफ्टर 25 ईयर्स ऑफ अ फाइल वो फाइल जो है वो एनएआई में चली जाती है, तो एनएआई के जो रिप्रेजेंटेटिव था वो रिकॉर्ड रूम में वो भी चेक करेंगे कि कोई फाइल आउटलिप तो नहीं हो गई है अपनी यूटिलिटी से। खैर, जो भी है, हम यहाँ पे टाइमलाइन की बात कर रहे हैं तो उसी पे स्टिक रहते हैं। जो सीआरयू है वो वंस अ क्वार्टर। ठीक है, तो नेक्स्ट टाइमलाइन है डिस्पोजल ऑफ रिसीट या केस से रिलेटेड, कौन से केसेस या कौन सी रिसीट, ये वीआईपी रिसीट्स हैं या फिर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट से जो कम्युनिकेशन आए हैं उनके डिस्पोजल से रिलेटेड क्या टाइमलाइन है। सबसे पहले तो उनके डिस्पोजल से रिलेटेड एडमिनिस्ट्रेशन में क्या होना चाहिए वो बताया हुआ है कि ज्वाइंट सेक्रेटरी या डायरेक्टर का पर्सनल सेक्शन जो है वो एक सेपरेट रजिस्टर मेंटेन करेंगे और उसके अंदर जितने भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट या वीआईपी रेफरेंस आएंगे उनको वो रिकॉर्ड करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट देखो, टू कीप अ वॉच ऑन स्पीडी डिस्पोजल, हर सेक्शन भी रजिस्टर को मेंटेन करेगा। ठीक है, यानी कि जेएस और डायरेक्टर का पर्सनल सेक्शन तो करेगा ही करेगा, हर सेक्शन भी एक रजिस्टर मेंटेन करेगा। ठीक है, और अगेन देखो उसके ऊपर क्या लिखा है, द सीरियल नंबर एट विच अ लेटर इज एंटर्ड इन द रजिस्टर विल बी प्रोमिनेंट मार्क ऑन द लेटर टुगेदर विद इट्स डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन, कि भाई ये लेटर आया हुआ है और ये आपके रजिस्टर का पेज है, तो रजिस्टर, तो लेटर के ऊपर अगर वन रेड इंक से लिखना है तो रजिस्टर के अंदर वन पे ये वाला लेटर का सब्जेक्ट या जो भी है डिटेल्स लिखी जाएंगी इस तरीके से। ठीक है, दिस इज द लेटर, वीआईपी लेटर, तो इस हर लेटर को मार्क किया जाएगा 1, 2, 3, 4 करके और रजिस्टर के अंदर उनकी एंट्रीज की जाएगी। तो सिमिलर रजिस्टर एक सेक्शन भी मेंटेन करेगा। ठीक है, नेक्स्ट, ऑन द फर्स्ट वर्किंग डे ऑफ ईच मंथ, यानी कि हर महीने की फर्स्ट डेट को, हर महीने की फर्स्ट डेट को जो ये वाला रजिस्टर है वो रजिस्टर सेक्शन, कौन सा रजिस्टर, वीआईपी या फिर एमपी के रेफरेंसेस वाला जो रजिस्टर है वो रजिस्टर हर सेक्शन अपने यूएस या फिर डीएस को सबमिट करेगा, यानी एसओ यूएस या फिर डीएस को सबमिट करेंगे फर्स्ट ऑफ एवरी मंथ। फिर यूएसडीएस उसके ऊपर रिमार्क्स वगैरह लिख के उसको आगे डायरेक्टर या जेएस जो भी होगा ऊपर उसको सबमिट कर देंगे और जो रजिस्टर है उसको वापस सेक्शन के पास भेज देंगे। ठीक है, रजिस्टर विल बी रिटर्न टू द सेक्शन। तो फिलहाल यहाँ पे टाइमलाइन सिर्फ ये है कि हर सेक्शन जो है वो हर महीने की पहली तारीख को वो रजिस्टर ऊपर सबमिट करेगा ताकि वो लोग देख पाए कि भाई हर चीज के ऊपर एक्शन हुआ है कि नहीं हुआ है। अच्छा, जब सेक्शन जेएस के पास जाएगा, सॉरी, जब वो रजिस्टर जब वो जेएस के पास जाएगा तो पता होगा अभी पीछे हमने लिखा था कि जेएस का जो पर्सनल सेक्शन है वो भी उस रजिस्टर को मेंटेन कर रहा है ना,
तो वो जब रजिस्टर उनके पास आएगा तो वो उसे रिकनसाइल कर लेंगे कि कहीं कुछ छूट तो नहीं गया है, कोई कम्युनिकेशन रह तो नहीं गया है। तो दे विल चेक वेदर ऑल द कम्युनिकेशन एंटर्ड इन द रजिस्टर फिगर इन द रिपोर्ट सेंड बाय द सेक्शन। सेक्शन ने जो रिकॉर्ड करे हैं क्या वो सब सेम है, सेम कम्युनिकेशन है जो उन्होंने एंटर कर रखे हैं। तो इस तरीके से तो यहाँ पर एक टाइमलाइन आई है। नेक्स्ट देखते हैं, तो नेक्स्ट में देखो कोर्ट या कैट केसेस के मॉनिटरिंग करने के लिए भी रजिस्टर मेंटेन किया जाएगा। अगेन सिमिलर लाइंस पे वो रजिस्टर मेंटेन होगा, कैसे कि जेएस और जो डायरेक्टर है उनका पर्सनल सेक्शन कोर्ट केस या कैट केस वाला रजिस्टर जो है वो मेंटेन करेंगे। सिमिलरली वो उसी तरीके से सीरियल नंबर उसके ऊपर लिखेंगे और वो सीरियल नंबर सेम मैच करना चाहिए आपके रजिस्टर से, ठीक है। और सिमिलर रजिस्टर जो है वो सेक्शन भी मेंटेन करेगा, जितने भी कोर्ट केस कैट केस आने वाले हैं उनके नेक्स्ट डेट ऑफ हियरिंग वगैरह सब लिख के सेक्शन भी मेंटेन करेगा, ठीक है। देखो अब जैसे वीआईपी रजिस्टर था, ठीक है, वीआईपी या फिर एमपी के रेफरेंसेस या फिर एमपी के कम्युनिकेशन वाला जो रजिस्टर था वो फर्स्ट ऑफ एवरी मंथ था। कैट और कोर्ट केस वाला जो रजिस्टर है वो आपका है फर्स्ट या और 15th, एंड लिखना बीच में एंड 15th ऑफ एवरी मंथ, ठीक है। वो इसलिए क्योंकि भाई जो कोर्ट केस है, काफी सारे कोर्ट केसेस भी हो सकते हैं किसी पर्टिकुलर मिनिस्ट्री के पास, किसी पर्टिकुलर सेक्शन, कोई ज्यादा कोर्ट केसेस भी डील कर सकता है। तो इसलिए पहले और 15th को हर महीने जो कोर्ट केस वाला रजिस्टर है वो जो सेक्शन है वो आगे सबमिट करेगा अपने अंडर सेक्रेटरी को, ठीक है। फिर अंडर सेक्रेटरी वो किसको दिखाएंगे, ज्वाइंट सेक्रेटरी को दिखाएंगे, फिर वो चेक करेंगे ज्वाइंट सेक्रेटरी ने जो अपने पर्सनल सेक्शन के अंदर वही रजिस्टर क्योंकि मेंटेन कर रखा था तो वो उसको चेक करेंगे, ठीक है। और एवरी डिस्क्रिपेंसी इज फाउंड तो वो रिकनसाइल की जाएगी, वट एवर, ठीक है। तो यहाँ पर दो टाइमलाइंस हो गए, वीआईपी और एमपी वाले रेफरेंसेज वाला रजिस्टर और कोर्ट केस या कैट केस का रजिस्टर जो कि महीने में 2 बार सबमिट करना है ताकि किसी की नेक्स्ट डेट ऑफ हियरिंग मिस ना हो जाए। कुछ रिवीजन क्या देखा आपने अभी कि जो रिकॉर्ड ऑफिसर है वो हर क्वार्टर में प्रिसीडिंग क्वार्टर की जो फाइल्स है रिकॉर्डिंग उनका रिकॉर्डिंग और उनका रिव्यू का प्रोग्रेस जो है उनका प्रोग्रेस रिपोर्ट बनाएंगे, तो एवरी क्वार्टर, ठीक। नेक्स्ट था सीआरयू का इंस्पेक्शन, वंस अ क्वार्टर होता है। रिकॉर्ड रूम का इंस्पेक्शन वंस अ ईयर होता है। और सेक्शन और डेस्क का भी इंस्पेक्शन, रिकॉर्ड रूम, सेक्शन या डेस्क, इनका भी इंस्पेक्शन वंस अ ईयर होता है, ठीक है। रिकॉर्ड रूम से अगर आपने फाइल मंगाई है तो उसको कितने टाइम में वापस करोगे, उसको आप 6 मंथ्स के अंदर वापस करोगे। अभी हमने देखा है कि वीआईपी रजिस्टर का जो सबमिशन है वो यूएस या डीएस को कब करना है, हर महीने के पहले वर्किंग डे को। और कोर्ट केस वाला जो रजिस्टर है वो 2 दिन, फर्स्ट को भी और 15th को भी, 15th वर्किंग डे ऑफ ईच मंथ, ठीक है। नेक्स्ट आ जाते हैं अब एफिशिएंसी इन डिसीजन मेकिंग इन गवर्नमेंट जो कि चैप्टर नंबर 4 का पार्ट है। अब देखो इसके अंदर क्या है, गवर्नमेंट के अंदर जो डिसीजन मेकिंग होती है उसकी एफिशिएंसी को एंश्योर करने के लिए क्या क्या बनाया गया है, चैनल ऑफ सबमिशन बनाया गया है ना, लेवल ऑफ डिस्पोजल बनाया गया है कि कोई सा केस किस लेवल पे जाके डिस्पोज हो सकता है और चैनल ऑफ सबमिशन क्या है उसका। तो ये जो सारी चीजें हैं ये वंस इन 3 ईयर्स रिवाइज होनी चाहिए, ठीक है। बेस्ड ऑन दिस द डीलिंग ऑफिसर विल टेक एक्शन ऑन द केसेस। अब क्योंकि डिपार्टमेंट की वेबसाइट पर ही ये चीज पड़ी होनी चाहिए कि चैनल ऑफ सबमिशन क्या है, कि एएसओ जो है वो एसओ को पुटअप करेगा, एसओ जो है वो यूएस को पुटअप करेगा, और फाइनली जो डीएस है वो अप्रूविंग अथॉरिटी है, ठीक है। जो भी है इसकी लेवल ऑफ डिस्पोजल इनके पास है, कोई भी पर्टिकुलर केस की बात कर रहे हो कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो ये जो चैनल ऑफ सबमिशन है और लेवल ऑफ डिस्पोजल है ये दोनों चीजें डिपार्टमेंट की वेबसाइट पर अवेलेबल होनी चाहिए। और दूसरी चीज ये सारी चीजें वंस इन 3 ईयर एक बार रिव्यू जरूर की जानी चाहिए, जरूरी नहीं है रिवाइज किया जाए इनको, बट वंस इन 3 ईयर्स रिव्यू जरूर होना चाहिए कि क्या कोई पर्टिकुलर केस इससे कम लेवल पे भी डिस्पोज हो सकता है, क्या थोड़े चैनल हम कम कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। तो वंस इन 3 ईयर्स इसको रिवाइज करना है, सॉरी रिव्यू करना है। नेक्स्ट नेक्स्ट देखो चैप्टर 6 का पार्ट है ये, ऐसे इंस्टेंसेस जहाँ पे फाइल को खोलने की जरूरत ही नहीं होती, जैसे कई बार रूटीन केसेस होते हैं कंप्लीटली जिसमें सिर्फ फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन मांगे और कुछ नहीं मांगा है ना, या फिर नोटिस ऑफ हॉलीडेज हो गया, मिसलिनियस सर्कुलर, कुछ भी है XYZ, जिसके अंदर की रिसीट के ऊपर ही हम कई बार लिख के वापस कर देते हैं कि कुछ उसमें मांगा है कि सपोज किसी पर्टिकुलर एम्प्लॉय की डेट ऑफ रिटायरमेंट नहीं पता हमें या उसकी डेट ऑफ बर्थ नहीं पता, तो नॉर्मल फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन मांगी है तो मैं वहीं पे नीचे लिख के दे दूंगी कि भैया ये इसकी डेट ऑफ बर्थ है और इसको वापस कर दिया हमने, ठीक। तो सोर्स रिसीट पर ही जब हम डिस्पोज कर देते हैं और उनको वापस कर देते हैं ओरिजिनेटर्स के पास, और सपोज इसकी कॉपी हमने रख ली
तो हम क्या करते हैं, एक मिसलेनियस फाइल के अंदर इनको रख लेते हैं। ये मिसलेनियस फाइल हो गई आपकी, मिसलेनियस फाइल, और इसके अंदर ये जो पेपर हैं वो इकट्ठे होते जाएंगे नो नोटिंग केसेस वाले, और उनको एट द एंड ऑफ द ईयर डिस्ट्रॉय कर दिया जाएगा। तो दिस इज द टाइम लाइन कि एट द एंड ऑफ द ईयर जो नो नोटिंग केसेस है, ठीक है, जिसके अंदर की कुछ अलग से नोटिंग नहीं हुई है और सिंपल मिसलेनियस फोल्डर टाइप है, तो वो मिसलेनियस फोल्डर जो है वो एंड ऑफ द ईयर पे हम डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आ गया देखो नेक्स्ट है फाइल रजिस्टर। रिकॉर्ड ऑफ फाइल्स ओपन ड्यूरिंग अ कैलेंडर ईयर विल बी कैप्ट इन अ फाइल रजिस्टर। एक फाइल रजिस्टर के अंदर, एक कैलेंडर ईयर के अंदर खुली हुई फाइलों का रिकॉर्ड होता है, ठीक है। तो हर साल पे एक नया फाइल रजिस्टर खुलेगा जिसके अंदर की हर कैलेंडर ईयर में खुली हुई फाइल्स का रिकॉर्ड होगा। नेक्स्ट देखते हैं, द लिस्ट ऑफ स्टैंडर्ड हेड्स एंड सब हेड्स विल बी रिव्यूड एट द बिगिनिंग ऑफ ईच ईयर एंड रिवाइज इफ नेसेसरी। जो फाइल का हेड होगा, स्टैंडर्ड हेड और जो सब हेड होगा, ये जो कि फाइल के ऊपर जो नंबर लिखा जाता है उसके अंदर इंडिकेटिव होता है, ठीक है। तो ये जो जो चीजें हैं स्टैंडर्ड हेड और सब हेड, दे विल बी रिव्यूड एट द बिगिनिंग ऑफ ईच ईयर। तो हर साल के स्टार्टिंग में इसको रिव्यू किया जाएगा एंड रिवाइज, तो रिव्यूड एंड रिवाइज इफ नेसेसरी विद द अप्रूवल ऑफ ब्रांच ऑफिसर। ब्रांच ऑफिसर कौन? ब्रांच ऑफिसर बोले तो यूएस, ठीक है। तो अप्रूवल किसका होगा इसके लिए? यूएस का, कि हम इसका सब हेड या हेड चेंज कर रहे हैं, ठीक है। लिस्ट ऑफ हेड या सब हेड में कुछ एक्स्ट्रा डाल रहे हैं या घटा रहे हैं कुछ भी, फाइन। तो ये हो गई एक टाइमलाइन यहां पर। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट देखो फंक्शनल अप्रोच टू नोटिंग। तो नोटिंग के अंदर अभी हमने बताया कि कुछ एफिमेरल केसेस होते हैं जो जिसके अंदर या तो नो एक्शन नहीं होता या फिर उसी के ऊपर हम रिसीट के ऊपर ही कुछ लिख के दे देते हैं, ठीक है। तो इनको नो नोटिंग केसेस कहा जाता है। तो सेक्शन ऑफिसर शुड रिकॉर्ड द रीजंस इन ब्रीफ व्हाई नो एक्शन इज नेसेसरी, और वो उस पर्टिकुलर रिसीट के ऊपर लिख देंगे कि भाई क्योंकि ये इन्फॉर्मेशन ऑलरेडी उनके पास है इसलिए हम नहीं दे सकते या फिर हम नहीं दे रहे, वट एवर, उसके ऊपर रिकॉर्ड कर दिया जाएगा और इसको एक ओ बंडल में रख लिया जाएगा। ये भी एक क्वेश्चन प्रोमिनेंट है कि कौन सा ओ बंडल होता है वो, कि जिसके अंदर नो नोटिंग केसेस वाली रिसीट रखी जाती है, ठीक। तो ये जो ओ बंडल है इसको अभी हमने देखा कि साल में एंड में डिस्ट्रॉय कर देंगे। पीछे हमने किया था ना नो नोटिंग केसेस वाला, वो सिमिलर ही है। तो वो मिसलिनियस रिसीट या फिर इस तरीके के नो नोटिंग केसेस जो है वो साल में लास्ट में उनको डिस्ट्रॉय कर दिया जाएगा। नेक्स्ट आ जाओ स्टेज ऑफ रिकॉर्डिंग। फाइल शुड बी रिकॉर्डेड आफ्टर एक्शन ऑन ऑल द इश्यूज कंसीडर्ड देयर ऑन हैज बीन कंप्लीटेड एज पर रिकॉर्ड रिटेंशन शेड्यूल, ठीक है। किसी फाइल के ऊपर जो एक्शन हो चुका है, सारी चीजों का एक्शन होके खत्म हो चुका है, तो फिर उसको रिकॉर्ड रिटेंशन शेड्यूल के हिसाब से उसको रिकॉर्ड कर देना चाहिए, ठीक। हाउएवर फाइल्स ऑफ प्योरली एफिमेरल नेचर, जो कि एफिमेरल नेचर की हम ऊपर बात कर रहे थे, तो उनको रिकॉर्ड करने की जरूरत नहीं है। देखो विदाउट बीइंग फॉर्मली रिकॉर्डेड, उनको रिकॉर्ड करने की जरूरत नहीं है, उनको एक साल के बाद डिस्ट्रॉय कर देना है। तो ये सब चीजें सिमिलर ही है, एफिमेरल केसेस, स्टेज ऑफ रिकॉर्डिंग, किसकी रिकॉर्डिंग की बात कर रहे हैं ये उसकी रिकॉर्डिंग की बात कर रहे हैं, जो कि जैसे कैजुअल लीव के रिकॉर्ड हो गए, सर्कुलर्स ऑफ टेम्परेरी नेचर, तो ये सब मिसलेनियस टाइप की रिसीट्स हो गई। तो इन सबको ओ बंडल में रख के और फिर एक साल के अंदर डिस्ट्रॉय कर देना है, ठीक है, एंड में 31 दिसंबर ऑफ एवरी ईयर। नेक्स्ट आ जाते हैं हमारा रिकॉर्ड रिटेंशन स्केड्यूल। रिकॉर्ड रिटेंशन स्केड्यूल से सबको पता है कि क्या पता चलता है कि कौन सी फाइल को कितने टाइम तक के लिए रखना है और कितने टाइम पर उसका रिव्यू होना है, ठीक है। टू इंश्योर दैट फाइल्स की कोई फाइल टाइम से पहले ना डिस्ट्रॉय कर दी जाए ना इतने टाइम तक उसको बिना बात के रखा जाए, तो इसलिए रिकॉर्ड रिटेंशन स्केड्यूल जो है वो बनाया जाता है। तो ये जो रिकॉर्ड रिटेंशन स्केड्यूल है वो रिकॉर्ड रिटेंशन स्केड्यूल को भी 5 साल में एक बार रिव्यू कर लेना चाहिए, ठीक है। तो यानी उससे पता चल जाएगा कि कोई पर्टिकुलर फाइल है जिसको कि हमने लिखा हुआ है कि 3 साल तक रिटेन करना है, क्या पता उसको ज्यादा रिटेन करने की जरूरत हो, क्या पता ऐसे इंस्टेंसेज आए जब ज्यादा रिटेन करने की जरूरत पड़ी हो, या फिर वो फाइल वीड आउट हो गई हो और हमें चाहिए हो। तो इसलिए रिकॉर्ड रिटेंशन स्केड्यूल को 5 साल में एक बार रिव्यू कर लेना चाहिए, ठीक है। तो ये हो गई आपकी टाइमलाइन। नेक्स्ट आ जाते हैं कस्टडी ऑफ रिकॉर्ड्स। जब किसी फाइल के ऊपर एक्शन खत्म हो चुका है, ठीक है, ये फाइल है, फाइल के ऊपर एक्शन इज कंप्लीटेड, तो वो फाइल क्या होगा? वो फाइल को रिकॉर्ड किया जाएगा, ठीक है। तो रिकॉर्डेड फाइल्स आर केप्ट सीरियली अरेंज इन द सेक्शन फॉर नॉट मोर देन 1 ईयर। रिकॉर्ड करने के बाद मैक्सिमम 1 ईयर तक फाइल जो है वो कंसर्न सेक्शन में रहेगी और उस सेक्शन के बाद वो चली जाएगी आपके रिकॉर्ड रूम में, डिपार्टमेंटल रिकॉर्ड रूम में, ठीक है। डिपार्टमेंटल रिकॉर्ड रूम का इंस्पेक्शन कितने टाइम में होना चाहिए?
वंस अ ईयर पढ़ा था ना पीछे, वंस अ ईयर। ठीक, तो किसी फाइल पर एक्शन कंप्लीट हुआ, उस फाइल को रिकॉर्ड कर दिया गया, और वो फाइल रिकॉर्ड होने के 1 साल के अंदर अंदर सेक्शन को डिपार्टमेंटल रिकॉर्ड रूम में भेज देनी है। फाइन। नेक्स्ट देखो, फाइल सर्वाइविंग द रिव्यू अंडरटेकन और अटेनिंग 25th ईयर ऑफ लाइफ। अगर ये मैंने पीछे भी बताया था कि फाइल को 25 साल अगर हो जाते हैं तो उसको एनएआई में ट्रांसफर करना है, ठीक है, सेंट टू नेशनल आर्काइव्स ऑफ इंडिया। फाइल्स ट्रांसफर टू नेशनल आर्काइव्स ऑफ इंडिया विल बी अकम्पनीड बाय द लिस्ट, वन कॉपी ऑफ विच विल बी रिटर्न बाय नेशनल आर्काइव्स ऑफ इंडिया ड्यूली साइन टू द डिपार्टमेंटल रिकॉर्ड रूम। यानी इस रिकॉर्ड रूम के अंदर कुछ फाइलें ऐसी हैं जिनको कि 25 साल हो चुके हैं, तो इन फाइलों की लिस्ट बना के एनएआई के पास चली जाएगी ट्रिप्लीकेट के अंदर। ठीक है, एनएआई जो है वो इस लिस्ट के साथ मैच कर लेंगे अपनी फाइल्स को, और वो लिस्ट ड्यूली साइन करके वापस डिपार्टमेंटल रिकॉर्ड रूम में भिजवा देंगे। ठीक। नेक्स्ट देखो, रिव्यू एंड रीडिंग ऑफ रिकॉर्ड्स। तीन कैटेगरीज होती हैं फाइल की, कैटेगरी सी, कैटेगरी ए और बी, जो कि परमानेंट होती है, और कैटेगरी सी जो होती है उसको डिस्ट्रॉय करना होता है आफ्टर सम पीरियड ऑफ टाइम। ठीक है, तो सपोज कैटेगरी सी की कोई फाइल है, उसको एक स्पेसिफिक रिटेंशन पीरियड के बाद वीड आउट करना होता है। कोई C3 कैटेगरी की फाइल है, तो यानी 3 साल के बाद इसको वीड आउट करना था, बट 3 साल के बाद जब उसका रिव्यू किया गया तो पता चला कि कुछ स्पेसिफिक ग्राउंड है ऐसा जिसकी वजह से उसको फर्दर रिटेन करना पड़ रहा है, तो और उसको 7 ईयर्स तक और रिटेन कर सकते हैं, क्योंकि सी कैटेगरी की फाइल को मैक्सिमम 10 ईयर्स तक रिटेन किया जा सकता है। ठीक है, रिटेंशन आफ्टर अ रिव्यू विल बी फॉर अ पीरियड ऑफ नॉट एक्सीडिंग 10 ईयर्स इंक्लूडिंग द पीरियड ऑलरेडी रिटेन। तो ऑलरेडी 3 साल के लिए तो उसको रिटेन किया जा सकता चुका है आफ्टर रिकॉर्डिंग ऑफ द फाइल, और फिर उसके बाद 7 साल और, यानी मैक्सिमम 10 ईयर्स। फिर आ जाओ कैटेगरी ए और बी की जो फाइल्स हैं, उनको 25 साल के होने पर उनको रिव्यू किया जाएगा, और उस रिव्यू के अंदर अगर ऐसा लगता है कि कैटेगरी बी की फाइल को कैटेगरी ए में चेंज करना है तो वो भी कर सकते हैं। ठीक है, द ईयर ऑफ रिव्यू ऑफ कैटेगरी सी फाइल विल बी रेकॉर्ड विद रेफरेंस टू द ईयर ऑफ क्लोजिंग। ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। सपोज कैटेगरी सी की फाइल है ये, और ये आज की डेट में इसके ऊपर एक्शन कंप्लीट हुआ है। ठीक है, आज की कुछ भी डेट है, तो इस डेट पर इसमें एक्शन कंप्लीट हुआ है, डेट एक्शन कंप्लीटेड, तो फिर आप इस फाइल को क्लोज कर देंगे। अब इस फाइल को क्लोज करने के बाद इसका जो ईयर ऑफ रिव्यू है तब होता है। सपोज 2023 में इसको क्लोज किया गया है, तो यहां से इसका काउंट होगा अगले 10 साल, या फिर जब तक भी इसको रिटेन किया जाना है। और जबकि कैटेगरी ए और बी की फाइल जो है, जो कि जैसे 25 ईयर्स ऑफ लाइफ तक उनको रखना है, तो उनका जो 25th ईयर ऑफ लाइफ है वो कब से शुरू होगा, जब से वो खुली थी। तो सपोज ए फाइल कोई खुली थी 2023 में, और यहां से उसके 25 ईयर्स काउंट होंगे कैटेगरी ए की फाइल के, सिमिलरली बी की फाइल के भी ऐसा ही होगा। तो यानी सी कैटेगरी की जो फाइल्स हैं उनकी ईयर ऑफ क्लोजिंग से काउंट किया जाता है ईयर ऑफ रिव्यू, और कैटेगरी ए और बी की फाइलों का ईयर ऑफ ओपनिंग से काउंट किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट देखो, बिगिनिंग इन द जनवरी ईच ईयर, हर साल जनवरी के अंदर डिपार्टमेंटल रिकॉर्ड रूम विल सेंड टू द सेक्शन लिस्ट। ठीक है, लिस्ट ऑफ फाइल्स। तो नेक्स्ट इज रिव्यू एंड रीडिंग ऑफ रिकॉर्ड्स। फाइल्स जो है वो तीन कैटेगरी की होती है, ए बी और सी। ए और बी जो होती है वो परमानेंट नेचर की फाइलें होती हैं, जिनको कि आफ्टर अटेनिंग 25th ईयर ऑफ देयर लाइफ, यानी कि जब उस फाइल को खुले हुए 25 साल हो चुके हैं, तो उसके बाद उसको रिव्यू किया जाता है इन कंसल्टेशन विद नेशनल आर्काइव्स ऑफ इंडिया। ये परमानेंट कैटेगरी ऑफ फाइल्स हैं। फाइन, तो रिव्यू करने के बाद अगर लगता है कि कैटेगरी बी की फाइल को कैटेगरी ए में चेंज करने की जरूरत है तो वो भी किया जाएगा। अब ये कंसल्टेशन किसकी कंसल्टेशन में होता है रिव्यू? नेशनल आर्काइव्स ऑफ इंडिया की कंसल्टेशन में। फाइन, अब जो कैटेगरी सी की फाइल है, सपोज कैटेगरी सी की फाइल थी और उसके ऊपर रिकॉर्ड कर दिया गया आफ्टर एक्शन कंप्लीशन कि उसको 3 साल के लिए हमने रिकॉर्ड किया, कि 3 साल का उसका रिकॉर्ड रिटेंशन स्केड्यूल के अंदर हमने चेक किया, तो 3 ईयर्स के लिए उसको रिटेन करना था, तो हमने कर लिया। आफ्टर 3 ईयर इट शुड बी वीडेड आउट, लेकिन उसको वीड आउट ना करके उसको स्पेसिफिकली और रखा जा रहा है कुछ टाइम पीरियड के लिए, क्योंकि उसके अंदर कोई ऐसा मैटर डील हुआ है जो कि लग रहा है कि इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो क्या करेंगे कि 3 साल तक तो ऑलरेडी आप इसको रिटेन कर चुके हो, फिर यहाँ पे लिखा है कि रिटेंशन आफ्टर रिव्यू विल बी फॉर अ पीरियड नॉट एक्सीडिंग 10 ईयर्स इंक्लूडिंग द पीरियड ऑलरेडी रिटेन्ड। ऑलरेडी आप उसको 3 साल के लिए रिटेन कर चुके हो, तो अब 7 ईयर्स तक आप उसको और रिटेन कर सकते हो आफ्टर रिव्यू। वैसे तो 3 साल के बाद ही वीड आउट हो जानी चाहिए थी, बट क्योंकि
सफिशियंट ग्राउंड है कि उसको फर्दर रिटेन किया जाए, तो आप उसको फर्दर 7 ईयर्स तक और रिटेन कर सकते हो, तो टोटल हो जाएगा आपका 10 ईयर्स। ये बात हुई कैटेगरी सी फाइल की। ये देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जो कैटेगरी सी की फाइल है, कैटेगरी सी की फाइल है, वो फाइल कब से काउंट होगी कि रिव्यू के लिए, वो फाइल उसके ईयर ऑफ क्लोजिंग से काउंट होगी। सपोज कैटेगरी सी की फाइल को 2023 में क्लोज किया गया और फिर उसको रिकॉर्ड किया गया 2023 में, तो रिकॉर्ड करने के बाद उसका स्टार्ट होगा, ठीक है। तो ईयर ऑफ रिव्यू जो है वो ईयर ऑफ क्लोजिंग से पता चलेगा कि कब फाइल क्लोज हुई है, उसके बाद से उसके ये 3 साल 10 साल काउंट होंगे। लेकिन जो कैटेगरी ए और कैटेगरी बी की फाइल है, सपोज इनको ओपन किया गया है 2023 में, तो फिर इनके ईयर ऑफ ओपनिंग से ही इनके 25 ईयर्स जो है वो काउंट होंगे, क्योंकि 25 साल तक इनको रखना है और उसके बाद इनका रिव्यू होता है, ठीक है। अब क्योंकि टाइमली जो फाइल्स हैं वो क्लोज होकर रिकॉर्ड रूम चली जाएं, है ना, अभी हमने पीछे पढ़ा था कि फाइल जो है क्लोज होने के 1 साल के अंदर अंदर डिपार्टमेंटल रिकॉर्ड रूम चली जानी चाहिए, तो रिकॉर्ड रूम के पास तो फाइलें भरती जाएंगी, तो डिपार्टमेंटल रिकॉर्ड रूम क्या करेगा, जनवरी, हर साल की जनवरी में सेक्शन के अंदर फाइलें भेज देगा कि भाई इनको चेक करो, रिव्यू करो, ठीक है। सपोज 2023 के अंदर डिपार्टमेंटल रिकॉर्ड रूम ने चेक किया कि 100 फाइलें हैं किसी एक पर्टिकुलर सेक्शन की, सपोज सेक्शन टी सेक्शन है कोई, और उस सेक्शन की 100 फाइलें डिपार्टमेंटल रिकॉर्ड रूम में चेक की गई कि इन 100 फाइलों का रिव्यू होना है इसी साल, तो वो जनवरी में वो फाइलें उस सेक्शन को भेज देगा, फिर वो उसको चेक करके वापस कर देंगे कि कोई फाइल वीड आउट होनी है, तो सेक्शन जो है वो उसको वीड आउट कर देगा और बाकी बची हुई फाइलें वापस रिकॉर्ड रूम में, ठीक है। टुगेदर विद द लिस्ट ऑफ फाइल्स इन 4 लॉट्स, जनवरी, अप्रैल, जुलाई और सितंबर। तो जनवरी में शुरू होगा ये काम, तो यानी कि जनवरी, अप्रैल, फिर जुलाई और फिर सितंबर में हर 3 महीने बाद जो रिकॉर्ड रूम है वो सेक्शन के अंदर फाइलें भेज देगा उनके रिव्यू के लिए, जो भी उस साल में रिव्यू होने के लिए बाकी है। तो अब देखो नेक्स्ट भाई, वॉल्यूम ऑफ रिकॉर्ड्स को कम करने के लिए कि कितना ज्यादा रिकॉर्ड्स क्रिएट हो जाते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंदर, कितनी फाइलें डेली खुल रही हैं, डेली बंद हो रही है और रिकॉर्ड कर रहे हैं, रिव्यू कर रहे हैं, तो इन वॉल्यूम ऑफ रिकॉर्ड्स को कम करने के लिए क्या मेजर्स लेने चाहिए वो यहाँ पर लिखे हुए हैं, ठीक है। तो क्या मेजर लेने चाहिए, जितने भी कैटेगरी सी की फाइल है एक स्पेशल ड्राइव चलाई जाए जिससे कि कैटेगरी सी की फाइलों को एनुअली रिकॉर्ड करके रिव्यू किया जाए ताकि टाइमली उनको वीड आउट कर देते हैं कर सके, ठीक है, कि भाई जिनकी जरूरत ही नहीं है उनको टाइमली वीड आउट कर सके। नेक्स्ट है कि हर जेएस, एवरी जेएस, उनके विंग के अंदर जितनी भी फाइलें हैं उनका, उन फाइलों का रिकॉर्डिंग, रिव्यूइंग और वीडिंग आउट का स्टेटस हाफ ईयरली जरूर रिव्यू किया जाए। तो किस लेवल पे रिव्यू क्यों होगा, ये जेएस के लेवल पे रिव्यू होगा, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है कि किस लेवल पे रिव्यू करना चाहिए, क्योंकि जेएस विंग का जो इंचार्ज होता है कौन होता है, जेएस ही होता है। तो जेएस अपने अंडर जितनी भी फाइलें हैं उन फाइलों का हाफ ईयरली रिव्यू करेंगे, उनका स्टेटस रिव्यू करेंगे कि भाई कितनी फाइलें रिकॉर्ड हो गई हैं, उनका रिव्यू कब बाकी है और उनकी वीड आउट कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा जो इंस्पेक्टिंग ऑफिसर था, अभी हमने पढ़ा था इंस्पेक्शन वाले चैप्टर के अंदर क्या क्या चीजें थी कि सीआरयू को हर क्वार्टर में इंस्पेक्ट करना है, रिकॉर्ड रूम को 1 साल में इंस्पेक्ट करना है, तो इंस्पेक्टिंग ऑफिसर्स को भी बोला जाएगा कि रिकॉर्ड मैनेजमेंट की जो स्टेज है उनके ऊपर स्पेशल अटेंशन दी जाए, हाँ, और डिपार्टमेंटल रिकॉर्ड रूम के इंस्पेक्शन के टाइम पर भी चीजें ध्यान में रखी जाए कि भाई क्या उसके अंदर और बेटर तरीके से हम वॉल्यूम ऑफ रिकॉर्ड्स को रिड्यूस कर सकते हैं। द फॉलोइंग मैनर ऑफ वीडिंग एंड डिस्ट्रक्शन ऑफ रिकॉर्ड्स विल बी अडॉप्टेड, तो ये कुछ तरीके दे रखे हैं कि किस तरीके से हम रिकॉर्ड्स को कम कर सकते हैं। रूटीन फाइल रिकॉर्ड विल बी मैनुअली टॉर्न, ठीक है, जो रूटीन फाइल है मैनुअली उनको खत्म कर दो, जैसे कि हमने देखा था कि भाई साल के एंड में उनको कर देना चाहिए। क्लासिफाइड फाइल्स को विल बी डिस्ट्रॉयड विद द यूज ऑफ श्रेडर। सीक्रेट फाइल्स रिकॉर्ड्स विल आल्सो बी इंसिनरेटेड आफ्टर बीइंग श्रेडेड एज पर प्रोविजंस अंडर डिपार्टमेंटल सिक्योरिटी इंस्ट्रक्शंस इशूड बाय मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। तो डिपार्टमेंटल सिक्योरिटी इंस्ट्रक्शंस कौन इशू करता है, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, और जो रूटीन फाइल्स है उनको नॉर्मली फाड़ दो मैनुअली, क्लासिफाइड फाइल्स को श्रेड किया जाना चाहिए, और उसके बाद जो सीक्रेट फाइल्स हैं, सीक्रेट फाइल्स रिकॉर्ड्स हैं उनको जलाना है, इंसिनरेट करना है आफ्टर बीइंग श्रेडेड, ठीक है। अब आ जाते हैं कुछ रिवीजन पे। हमने देखा था कि वेबसाइट पर चैनल ऑफ सबमिशन और लेवल ऑफ डिस्पोजल जरूर होना चाहिए और वो रिव्यू होना चाहिए हर 3 साल में, ठीक है। नेक्स्ट, नो नोटिंग केसेस को कब डिस्ट्रॉय करना है, एट द एंड ऑफ द ईयर, ये हमने देखा, एट द एंड ऑफ द ईयर में भी हमने 31 दिसंबर उसके अंदर देखा था। नेक्स्ट, रिव्यू एंड रिविजन ऑफ स्टैंडर्ड हेड एंड सब हेड ऑफ द फाइल।
फाइल के जो लिस्ट है स्टैंडर्ड हेड की और सब हेड्स की, ठीक है, यानी ये कुछ कुछ स्टैंडर्ड हेड्स हैं और ये कुछ कुछ सब हेड्स हैं, इनकी लिस्ट के अंदर कुछ डालना है या कुछ इसमें से डिलीट करना है तो उसको साल के स्टार्टिंग में ही रिव्यू कर लेना चाहिए और रिवाइज कर लेना चाहिए। नेक्स्ट आ जाओ, जो रिकॉर्ड रिटेंशन स्केड्यूल है हमारा, जिससे कि ये पता चलता है कि फाइल जो है वो कौन सी कैटेगरी की है और उसको कितने साल तक रिटेन करना है, कितने साल तक रखना है, व्हाटएवर, तो उस रिकॉर्ड रिटेंशन स्केड्यूल का भी जो रिव्यू है वो होना चाहिए 5 साल के बाद, 5 साल के अंदर अंदर, मतलब एवरी 5 ईयर्स। नेक्स्ट, फाइल के ऊपर एक्शन कंप्लीट हो चुका है और आपने उस फाइल को रिकॉर्ड कर दिया है तो वो आप सेक्शन के अंदर नहीं रखोगे फॉर नॉट मोर देन 1 ईयर, क्योंकि 1 साल के बाद उसको आप कहाँ भिजवाओगे, डिपार्टमेंटल रिकॉर्ड रूम में। नेक्स्ट देखते हैं कैटेगरी ए और बी की फाइलें, इन कंसल्टेशन विद NAI, नेशनल आर्काइव्स ऑफ इंडिया, उनका रिव्यू किया जाएगा कब, जब वो अपने ओपनिंग से 25 ईयर्स हो चुके होंगे उनको, ठीक है, ओपनिंग ऑफ फाइल से 25 ईयर्स होने के बाद उनका रिव्यू किया जाएगा। नेक्स्ट, कैटेगरी सी फाइल को रिव्यू करने के बाद कितने टाइम तक रिटेंशन किया जा सकता है, केवल 10 ईयर्स, ठीक है, तो ये मैक्सिमम है कि 10 साल, और 10 साल आफ्टर क्लोजिंग ऑफ द फाइल। नेक्स्ट देखो, रिकॉर्ड रूम जो है वो सेक्शन के अंदर फाइलें भेजेगा, अभी हमने पढ़ा था, रिकॉर्ड रूम सेक्शन के अंदर फाइलें भेजेगा कि उस पर्टिकुलर ईयर के अंदर कितनी फाइल, जो जो फाइलें भी रिव्यू के लिए ड्यू हैं, जिनको कि वीड आउट किया जाना चाहिए या फिर रखना है कि हटाना है, ये सब डिसाइड होना चाहिए, तो वो 4 लॉट में, स्टार्टिंग फ्रॉम जनवरी, फिर वो अप्रैल में फाइलें भेजेगा, फिर वो जुलाई में भेजेगा, और फिर वो सितंबर में भेजेगा, ठीक है। हम आ जाते हैं अब नेक्स्ट, टाइमली रिकॉर्ड जो है वो डिस्ट्रॉय हो जाए और टाइमली रिकॉर्ड जो है वो रिटेन हो जाए, कौन सी चीज रखनी है कौन सी नहीं रखनी है, इसके लिए ये एडवाइस किया गया है कि जो JS है वो अपने अंडर जितनी भी फाइलें हैं, अपने विंग के अंडर जितनी भी फाइलें हैं, उनका स्टेट ऑफ रिकॉर्डिंग, उनका रिव्यू और उनका वीडिंग आउट का रिव्यू करते रहेंगे वो हाफ ईयरली, साल में 2 बार, ठीक है। JS के पास इतना टाइम तो होगा नहीं कि भाई हर महीने करे वो, तो इसलिए हाफ ईयरली वो उस काम को कर सकते हैं कि हाफ ईयरली के अंदर देख लो कि कितनी फाइलें रिकॉर्ड हो गई, रिव्यू हो गई या फिर कितनी रह गई। नेक्स्ट टाइमलाइन है नेशनल आर्काइव से फाइल की रिक्वेस्ट के बारे में। सपोज ये नेशनल आर्काइव्स है, ये कोई ए डिपार्टमेंट है और ये कोई बी डिपार्टमेंट है, तो ए डिपार्टमेंट की कोई फाइल नेशनल आर्काइव्स के पास है, नेशनल आर्काइव्स की कस्टडी में है, लेकिन ये फाइल बी डिपार्टमेंट को चाहिए, तो बी डिपार्टमेंट जो है वो एक रिक्वेस्ट, एक रिक्विजिशन NAI को देगा अपने एंडोर्समेंट के साथ, और NAI अगर, तो ये फाइल कॉन्फिडेंशियल है तो कॉन्फिडेंशियल फाइल को NAI ए डिपार्टमेंट के थ्रू रूट करेगा, क्योंकि ये कॉन्फिडेंशियल फाइल है और ए डिपार्टमेंट की फाइल है, तो बी डिपार्टमेंट डायरेक्टली NAI से ये फाइल नहीं ले सकता, तो कॉन्फिडेंशियल फाइल को NAI ओरिजिनल डिपार्टमेंट के थ्रू रिक्विजिशनिंग डिपार्टमेंट के पास रूट करेगा, ठीक है, तो विल नॉट सप्लाई द फाइल डायरेक्ट टू द रिक्विजिशन डिपार्टमेंट बट रूट इट थ्रू द डिपार्टमेंट टू विच इट बिलोंग्स। अब जो रिक्विजिशन है, यानी जो इन्होंने रिक्वेस्ट दिया था, दिस इज रिक्वेस्ट, इस रिक्वेस्ट को इस फाइल की जगह पर रख दिया जाएगा और ये फाइल जो है वो बी डिपार्टमेंट को दे दी, ठीक है, इस फाइल की जगह रिक्विजिशन उनकी लगा दी है, रिक्विजिशन लेटर। इफ रिक्विजिशन फाइल, अगर रिक्विजिशन फाइल ऐसी है कि उसको माइक्रोफिल्म या प्रिंट किया जा चुका है, तो ओरिजिनल फाइल ना दे के, ठीक है, माइक्रोफिल्म या प्रिंटेड कॉपी दे दी जाती है, ठीक है, ओरिजिनल फाइल नहीं दी जाएगी। और फिर सपोज ये फाइल अब बी डिपार्टमेंट के पास आ गई, इस डिपार्टमेंट ने अपना काम कर लिया, तो ये डिपार्टमेंट इस फाइल को वापस NAI को देगा कितने टाइम में, नॉट मोर देन 1 ईयर, ठीक है, विल नॉट नॉर्मली रिटेन फॉर मोर देन 1 ईयर, तो विद इन वन ईयर इस फाइल को वापस करना है बी डिपार्टमेंट को NAI को, एक्सेप्ट एक्सेप्ट विद द लेटर स्पेसिफिक नॉलेज एंड कंसेंट, एक्सेप्ट कि NAI उसको और ज्यादा रिटेन करने के लिए परमिशन दे दे, ठीक है। तो नेक्स्ट टाइम लाइन पे आते हैं, रिव्यू ऑफ पीरियोडिकल रिपोर्ट्स एंड रिटर्न्स, जो भी पीरियोडिकल रिपोर्ट्स या रिटर्न्स जाती है वो हर 3 साल के अंदर रिव्यू किया जाएगा, किसके द्वारा, ज्वाइंट सेक्रेटरी लेवल पे, एटलीस्ट ज्वाइंट सेक्रेटरी, ठीक है, तो कम से कम ज्वाइंट सेक्रेटरी लेवल का ऑफिसर हर 3 साल के अंदर ये रिव्यू करेंगे कि पीरियोडिकल रिपोर्ट्स और जो रिटर्न्स मंगाई जाती हैं या दी जाती हैं उनके अंदर किस कुछ इम्प्रूवमेंट की जरूरत नहीं है क्या, इम्प्रूवमेंट ताकि कोई अननेसेसरी रिपोर्ट या रिटर्न तो नहीं चल रही है, या फिर रिपोर्ट को रीडिजाइन करना चाहिए ताकि उसके अंदर और इन्फॉर्मेशन या डेटा मंगाया जा सके,
उसको और सिंप्लीफाई या रैशनलाइज करने की तो जरूरत नहीं है, क्या दो या दो से ज्यादा को कंबाइन करने की तो जरूरत नहीं है, टू रिवाइज द फ्रीक्वेंसी कि भाई मंथली रिपोर्ट है तो क्या क्वार्टरली रिपोर्ट से काम चल जाएगा, लाइक दैट. ठीक है, द रिजल्ट्स ऑफ द रिव्यू ड्यूरिंग ईच ईयर विल बी रिपोर्टेड बाय द सेक्शन टू सेक्शन डेजिग्नेटेड फॉर हैंडलिंग द वर्क ऑफ IWSU बाय 7th of April. ठीक है, 7th of April को ये जो रिव्यू का रिजल्ट है वो हर साल 7th of April को दिया जाएगा. नेक्स्ट देखो जो ट्रीटमेंट है क्लासिफाइड पेपर्स का, क्लासिफाइड पेपर्स का क्या करना चाहिए. तो क्लासिफाइड पेपर्स के रिगार्डिंग ये जो पूरा मैनुअल है, ये सारे के सारे जो प्रोविजंस है जो हमने पीछे पढ़े हैं, टाइमलाइंस एंड ऑल, ये सारे अनक्लासिफाइड पेपर के बारे में है. अगर क्लासिफाइड पेपर की हैंडलिंग की बात है तो क्लासिफाइड पेपर की हैंडलिंग मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स जो पब्लिश करता है डिपार्टमेंटल सिक्योरिटी इंस्ट्रक्शंस, ठीक है, उनके अकॉर्डिंग क्लासिफाइड पेपर्स को हैंडल करना है. तो अकॉर्डिंग टू दीज इंस्ट्रक्शंस ये जो क्लासिफाइड पेपर्स होते हैं विच आर अदर देन कॉन्फिडेंशियल, ये क्लासिफाइड पेपर या तो ऑफिसर खुद हैंडल करे, ठीक है, ऑफिसर खुद हैंडल करे, या फिर ऐसे सेक्शंस हैंडल करे जिन सेक्शंस को सीक्रेट या टॉप सीक्रेट का नाम दिया हुआ है. अगर इस तरीके से कोई सेक्शन नहीं डेजिग्नेट किया गया तो क्या करेंगे, तो सेक्शन ऑफिसर खुद इन क्लासिफाइड पेपर्स के लिए अलग से सेपरेटली डाक रजिस्टर, सेक्शन रजिस्टर, फाइल रजिस्टर या वट एवर, ये सारी चीजें खुद मेंटेन करे सेक्शन ऑफिसर. ठीक है, इसके अलावा रिकॉर्डिंग ऑफ सच फाइल्स, इस तरीके की जो फाइल्स हैं क्लासिफाइड फाइल्स हैं, फिर जिन फाइल्स के अंदर क्लासिफाइड पेपर हैं, तो उनका रिकॉर्डिंग और उनका रिव्यू वो भी सेक्शन ऑफिसर पर्सनली करे. किसके अकॉर्डिंग, डिपार्टमेंटल सिक्योरिटी इंस्ट्रक्शंस के अकॉर्डिंग. और हर क्लासिफाइड को वंस इन अ 5 ईयर्स डी क्लासिफिकेशन के लिए रिव्यू करना है. दिस इज द टाइमलाइन. ठीक है, 5 साल के अंदर क्लासिफाइड को डी क्लासिफिकेशन के लिए रिव्यू करना है कि क्या अभी भी वो इन्फॉर्मेशन जो है वो क्लासिफाइड इन्फॉर्मेशन है, क्या अभी वो डी क्लासिफाई उसको कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं. ठीक है, तो वंस इन 5 ईयर्स क्लासिफाइड फाइल को डी क्लासिफिकेशन के लिए रिव्यू करना है. ये हमारी टाइमलाइन है इस स्लाइड की. नेक्स्ट देखते हैं. नेक्स्ट देखो सेंट्रल पब्लिक ग्रीवांस रिडर्स एंड मॉनिटरिंग सिस्टम, CPGRAM, इसकी बात हम पहले कर चुके हैं. तो पब्लिक ग्रीवांस रिकॉर्ड्स आर आर्काइव्ड आफ्टर अ पीरियड ऑफ 5 ईयर्स. जितने भी पब्लिक ग्रीवांस का रिकॉर्ड है कि कितनी पब्लिक ग्रीवांस आई है, क्या पब्लिक ग्रीवांस आई है, वट एवर, उनको आर्काइव कर दिया जाए आफ्टर अ पीरियड ऑफ 5 ईयर्स, यानी 5 साल के बाद. ठीक है, पिछला भी 5 साल ही था कि क्लासिफाइड फाइल्स को डी क्लासिफिकेशन के लिए रिव्यू करना है, तो 5 ईयर्स के अंदर, वंस इन 5 ईयर्स. तो अब कर लेते हैं रिविजन. एनएआई को फाइल वापस कितने टाइम के अंदर करनी है, 1 साल के अंदर, सब्जेक्ट टू कि एनएआई से आपने परमिशन नहीं लिया उसको और एक्स्ट्रा रिटेन करने के लिए. नेक्स्ट हमने किया था कि जेएस जो है वो पीरियोडिकल रिपोर्ट्स और रिटर्न्स जो भी होते हैं उनको कितने टाइम में रिव्यू करेंगे, वो करेंगे एवरी 3 ईयर्स के अंदर. क्यों रिव्यू करेंगे, कि उसके अंदर कोई रिडंडेंट रिव्यू तो रिपोर्ट तो नहीं मांग रहे हम, है ना, या फिर उसके अंदर कोई इंप्रूवमेंट की तो जरूरत नहीं है, किसी दो रिपोर्ट्स को कंबाइन तो करने की जरूरत नहीं है, किसी को रिवाइज फॉर्मेट तो रिवाइज करने की जरूरत नहीं है, इसलिए. तो हर 3 साल के अंदर जेएस जो है वो पीरियोडिकल रिपोर्ट से रिटर्न्स को रिव्यू करेंगे. इसको ऐसे सोच सकते हो कि भाई हर साल इसलिए नहीं करेंगे क्योंकि कुछ रिपोर्ट जो होती है वो ईयरली भी तो जाती होंगी. ठीक है, कुछ रिपोर्ट अगर ईयरली जाती होंगी तो कम से कम 3 साल तो दें उसको चलने के लिए, तभी तो पता चलेगा उसके अंदर कुछ एक्स्ट्रा इंप्रूवमेंट की जरूरत है या नहीं है. ठीक है, तो इसलिए 3 साल के अंदर जेएस जो है वो इसको रिव्यू करेंगे. नेक्स्ट है क्लासिफाइड फाइल को डी क्लासिफिकेशन के लिए कितने साल में रिव्यू करना है. तो अभी हमने पढ़ा 5 साल के लिए, 5 साल के बाद रिव्यू करना है उसको. नेक्स्ट है पब्लिक ग्रीवांस रिकॉर्ड जो सीपी ग्राम्स के ऊपर है उनको कितने टाइम में आर्काइव करना है, तो आफ्टर 5 ईयर्स. आफ्टर 5 ईयर्स सीपी ग्राम्स के ऊपर जो पब्लिक ग्रीवांस के रिकॉर्ड है उनको आर्काइव कर देना है. तो इसके साथ आपके एमओपी के अंदर आई हुई जितनी भी टाइमलाइंस है वो यहाँ पे कंप्लीट हो गई है. एंड आई विल सजेस्ट कि इस वीडियो के अंदर जितनी भी टाइमलाइंस मैंने बताई है एमओपी की, वो सब आप एक जगह जरूर लिखो, बहुत हेल्पफुल रहेगा आपके लिए एग्जाम के लिए. ओके, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग.